अजल में घर चुम्मनुज्ञम मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानम सिनंद नंद पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लवा लुका
राम कथा के अंतर्गत ये प्रसंग जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं मानस परशुराम। कल हमने व्यास गादी का दर्शन आपके सामने रखा था कि एक प्रसूता को तीन चार बच्चे हो उस समझ में आता है, लेकिन बच्चा एक है और जनेता तीन है जिसकी चर्चा कल की, कि संघर्ष और विवाद आदि उसको जन्म देने में तीन माताएं हैं, वक्र दृष्टि, कठिन क्रिया और ऐसी बोली, जिन तीनों के कारण व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, विश्व के जीवन में संघर्ष प्रकट हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये सत्य को भी अनदेखा न किया जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा केवल मां के कारण तो पैदा नहीं होता, बाप भी तो चाहिए। कोई स्त्री ऐसे बच्चे को नहीं जन्म दे सकती बिना पुरुष। तो यदि तीन प्रसूता है, तीन जननी है संघर्ष की, मानस के इस प्रसंग में मैं बार बार श्रुति वाक्य कहता रहता हूं, क्योंकि कई संदर्भों से देखा जाता है इस प्रसंग में ये है, इसलिए मैं इसी श्रुति को बोलता रहता हूं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को आचार्यों ने, ऋषियों ने हर एंगल से, हर दिशाओं से देखा, जिसकी जो अनुभूति उसके मुताबिक रखा। तो संघर्ष का जन्म हमारे जीवन में होता है कटु वाणी से, ऐसी कुटिल दृष्टि से, या तो ऐसी कठिन करणी से। लेकिन उनके पिता भी तो होने चाहिए। आज के प्रसंग में, आज के दर्शन में उसकी चर्चा है, इसलिए वहीं से शुरू कर रहा हूं। संघर्ष रूपी बच्चे को, संघर्ष रूपी संतान को प्रकट करने में कौन तीन पुरुष का हिस्सा है, कौन तीन बाप का हिस्सा है। बैठिए दादाजी, कृपया एक बार कथा शुरू होने के बाद कोई इधर उधर ना आए, और यहां मंच पर पैसे भी न फेंके, क्योंकि यहां पैसा नहीं लिया जा सकता है। कोई दान पात्र हो या कहीं भी आप दे सकते हैं, इसलिए कृपया एक बार कथा शुरू होने के बाद जहां जगह मिले वहां बैठने की कृपा करें। तो तीन पुरुष की भी चर्चा है, और वो तीन पुरुष हैं प्रताप, बल और रोष। कितनी मनोवैज्ञानिक ढंग से इस शास्त्र की रचना हुई, इसलिए तो उसको मानस कहा है। मानस सरोवर के कारण शिव के मानस से प्रकट हुआ है, इसलिए उसका नाम मानस तो है ही। लेकिन दुनिया भर के मनोविज्ञान को गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से इसमें रखा है, वारी जाओ इस पर निछावर हो जाए। ये मानस, मानस शास्त्र है। एक बार मानस की कथा में जाकर सुन लो, जहां भी मौका मिले, कोई भी महापुरुष कथा का दान करता है वहां जाकर
उसको इसी ढंग से सुनो। जैसे कल मैं कह रहा था कि तुलसी तरुसम तन कुरु मुख तुलसी दल राख, तुलसी माला कर गहूं तब तुलसी कृत भाक। वैसे श्रोता के लिए भी कुछ इस ढंग से सुनो। गोस्वामी जी ने बालकांड में बहुत सुंदर बात रख दी है। आवत ईसर अति कठिन मारी, आवत ईसर राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा मानसर जो है, ये मानसरोवर जो है, हिमालय का जो मानसरोवर है गोस्वामी जी, उसका वो लेकर के इस मानस की चर्चा करते हैं कि मानसरोवर के पास जाने में बहुत कठिनाई है। बिना राम की कृपा जाना मुश्किल है। और फिर कठिनाई क्यों है, तो उसकी कठिनाई के क्रमशः सब विघ्न बताएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सब विघ्न बता दिए कि भाई इस कथा को हम सुनेंगे मनोवैज्ञानिक ढंग से, सहज जिसका प्रवाह चला है, ये मानस शास्त्र है, हमारे मन की चिकित्सा होती है। किसी ने मुझे आज पूछा है, बाबू कल आपने कहा राम नाम मेडिसिन है, राम का रूप मेडिटेशन है, राम कथा मोबाइल हॉस्पिटल है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर ये चार जो है शंकर भूसंडी। तो किसी ने मुझे पूछा आप क्या है, मैं कंपाउंडर हूं। ये लोग जो लिख देते हैं वो मैं तुम्हारे नाम तुमको दवाइयां देता रहता हूं कि ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र मैं करता हूं। वही है सब सर्जन लोग, तो वही है सब। मेरा काम केवल ये दवाइयां, लेकिन मैं दवाइयां आपको देने से पहले रोग न होते हुए भी चख लेता हूं। जैसे माँ दवाइयां खुद पीते हैं और फिर बच्चे को पिलाती, इसलिए मैं बेकार नहीं बोल रहा हूं। अनुभूति 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 जो नहीं मगज में आया, जो जीवन में खरा नहीं उतरता, ऐसे कई सूत्र में छोड़े बैठा हूं। जब जब खरा उतरता है अंतःकरण में, जब वो पकड़ में आता है, छाया पकड़ने से काया कभी पकड़ में नहीं आती, काया पकड़ने से ही छाया पकड़ में आती है। इस जीवन के सत्य को कभी मत भूलो। हम कितनी ही छाया को पकड़े, परिछाएं को पकड़े, लेकिन इससे काया नहीं पकड़ी जाती। काया को पकड़ने से संसार की हर छाया पकड़ी जाती है। इसलिए मेरा काम तो केवल इतना ही है कि जो उन्होंने लिख दिया है कि जाओ वहां से दवा ले आओ, और फिर उसी के मुताबिक वो दवाएं दी जाती हैं। फर्क इतना कि चक चक करके दवाएं दी जाती हैं। सुका मांसवाड़ी भिने कोढ़ पोते, बीमा पीड़ा पाम पंडे तजे स्वाद तोते, मने कौन पोता तनु दूध पातु महाहित वाली दयाली जमातु। माँ का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव व्यास गादी का होता है। व्यास गादी नारी जाती है, व्यास गादी मातृ स्वरूप है।
व्यासगादी पर बैठने वालों को हाँ पंचकेश रखे दाढ़ी मूछ रखे तो ठीक है, बाकी अब तो सब कलयुग है, सब नियम इधर उधर जो हो इसकी चर्चा में मुझे नहीं जाना, लेकिन पुराने हमारे कथाकारों के जीवन में तो हमारे दादा परदादा सब लोग कहते थे कि मूछ रखकर कथा कही नहीं जाती, केवल मूछ रखकर कोई कथा नहीं कह सकता, प्रवचन दे 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 ऐसा एक प्रतिबंध हर जगह नहीं लेकिन गुजरात में तो खास मैंने पाया है, कई वक्ता जो मूछ रखकर कथा करने गए उसकी कई आचार्यों ने उतार करके मूछ मुंडवा दी कि भद्र रूप हो वो, तुमको अहंकार की मूछ है तब तक कथा कैसे कहोगे, तुम मां बनो, मातृ स्वरूप है व्यास गादी, पीठ और पीठिका भी नारीवाचक शब्द है, गादी भी नारीवाचक शब्द है, और मैं व्यास की गोद कहता हूं तो गोदी भी तो नारीवाचक शब्द है, ये मातृ शरीर है सर, और मां जैसे दवा देती है इसी तरह बात करनी होती है, जो अपने अनुभव में न उतरे कौन जुम्मा ले, कौन ये गठरी बांधे, पढ़ते रहो स्वाध्याय करते रहो क्रिया में अनुभव में उतारते रहो, फिर जब लगे तब फिर बांटो, शीरा बनाना ना आए तब तक प्रसाद कैसे दे, केवल गेहूं का आटा दे तो कोई प्रसाद है, वो तो भिक्षा है, जब शीरा बनाना आ जाए फिर प्रसाद बांटा जाता है, तो मेरा काम तो कंपाउंडर जैसा है भाई, आचार्य तो वो है, दवा तो वो बताते कि इसको ये डोज दो, इसको ये चूर्ण दो, उसको ये गोली दो, इसको ये टिकिया दो, इसको ये करो, तो यही काम होता रहता है, लेकिन चक चक कर होता है। तो मेरे कहने का मतलब बहुत कठिनाई है पहुंचने में, एकमात्र उपाय है भगवान की, मानस शास्त्र है, मानस की चिकित्सा है, कोई कोई सुने तो सही, जहां भी मैं तो मैं आपको सबको कहता हूं हर एक को मेरी समझ में वैश्विक बात है, आप माने न माने, श्रवण सबको करो, शरण एक की ग्रहो, श्रवण जहां मौका मिले सुनो, कोई अच्छी बात मिल जाएगी, लेकिन शरण कोई एक ही महापुरुष की करो, बस शरणागति केवल एक की ही होती है, सभी संतों ने कहा है एक बार ही होती है, उसमें बार बार नहीं हो सकता और वहां बदली नहीं हो सकती, तो मनोचिकित्सा है कितनी, क्योंकि ये कोई मानस शास्त्र के ढंग से इसका दर्शन करें तो पता लगेगा कि कितनी, तो ऐसे मानस की कथा में जाओ, आप आते हैं इसलिए इतना तो कहना ही पड़ेगा कि आपके ऊपर राम की कृपा है, क्योंकि वरना तो आवत यही सर अति कठिन है, यहां पहुंचना ही मुश्किल है, पहुंच ही नहीं सकते, कई लोग हमको कहते, मैं अहमदाबाद की बात कहता रहता हूं, एक बार कथा थी और मैं सायंकाल को एक किसी हमारे स्नेही मरीज थे उसको देखने गया, तो शाम को मैं उनके घर गया तो एक भाई घूम रहा था, टहलता था, वॉक ले रहा था अपने कंपाउंड में, तो वो मुझे देख गया और कहे बापू, नमस्कार किया उसने, मैंने कहा नमस्कार, बोले आप मुरारी बापू हैं, मैंने कहा हाँ क्या बात है, बोले आप कथा कहते वो हैं, मैंने कहा ठीक है, बोले आप मेरी पत्नी आपको बहुत सुनने आती है, मैंने कहा तेरा भाग फूट गया, तू भी आना कभी, यहां घूमता रहता है कभी तो आ इस दवाखाने में, बीमार तो हो, लेकिन इनका दोष नहीं है, राम कृपा बिनु आई न जाई, ये तुम्हारी मैं सराहना करूंगा, तुम्हारी भाग्य की वंदना करूंगा कि तुम कथा में आ सके हो, बाकी विघ्न का पूरा लिस्ट दिया है गोस्वामी जी ने, इतने विघ्नों को पार करना पड़ता है, आज किसी ने मुझे भी पूछा कि बापू आप कहते हैं कि कथा में ही परम विश्राम मिलता है लेकिन परिवार वाले बाधक बनते हैं और उनको घर में रहता है, तो क्या हम उस संताप में रहें कि परम विश्राम वाली कथा में जाएं, तो ये सब विघ्न है, ये आप जो बिना पढ़े अनुभव कर रहे हैं वो पहले से लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होगा, क्रमशः एक बार सुन लो, ये मानस शास्त्र है, इसलिए आपको इन सब की ओर मैं आगाह करूं,
गोस्वामी जी ने उसका क्रम बताया कौन कौन विघ्न आएगा, और फिर सब अपने अपने जीवन में देखे। गोस्वामी जी पूरा लिस्ट देते हैं। कठिन कुसंग सबसे पहला तो विघ्न है भगवान की कथा। कितना बड़ा एक कथा का वो होता है कि हमारे जीवन की न जाने अनगणित समस्याओं का समाधान मिल जाता, वक्ता को भी पता नहीं रहता। मेरे पास तो कई लोग आते यही कहकर तो मैं तो रामायण को इससे नतमस्तक हो जाता हूं, मेरी आंखें भर जाती है। कल मेरे पास कुछ भाई बहन दिल्ली से आए, कहे बापू हम रास्ते में जो जो प्रश्न सोच कर आए थे उसी के ही जवाब कथा में मिले। तो मैं ये कोई वक्ता का प्रभुत्व नहीं है, भूल से भी मत सोचना। ये तुम्हारा कल्पना हो सकती है, तुम्हारा ये भ्रम, ये कोई वक्ता की देनगी नहीं होती, ये गोस्वामी जी के अद्भुत मानस शास्त्र का प्रताप है। ऐसा न हो तो आश्चर्य, ऐसा होता ही रहता है, होना ही चाहिए। लेकिन वहां पहुंचने में जो जो विघ्न है उसमें सबसे पहला विघ्न गोस्वामी जी ने दिखाया, कठिन कुसंग कुपंथ कराला। सबसे प्रथम विघ्न है मानस। परशुराम जी को सुनकर हमारे मन के कई संघर्ष समाप्त हो सकते हैं, एक प्रकार का संताप लिए, एक प्रकार का ये बाकी का जो बुखार आता है वो तो उतर जाता है डॉक्टर की गोलियों से, लेकिन संताप का एक ताप ले हो गए थे, ऐसे हो गए थे। और भक्ति महारानी ने नारद जी को कहा कि महाराज मेरे बेटे को ठीक कर दो, ये प्रसंग से आप परिचित हैं भागवत जी के। नारद जी ने पूछा मुझे इतना समय नहीं, मैं कहां ये सब करूं। बोले नहीं आपसे मैं कहती नहीं, लेकिन कहने की हिम्मत जुटा पाई इसलिए कि आपने पहले भी दो बेटों को मदद की है, कहीं दो दो बेटों को आपने मदद की है, लड़कों को मदद की है, बच्चों को मदद की है, तो मुझे भी हिम्मत आई कि मैं भी मेरे बच्चों का इलाज करवाऊं। तो बोले मैंने कौन, बोले सबसे जाहिर दो बच्चे थे उसका इलाज आपने किया, उसको धन्य कर दिया आपने, तो मेरे बेटे को भी कुछ कर दो आप। नारद जी ने कहा मैं तो पता नहीं कौन कौन है वो। बोले एक तो ध्रुव है, दूसरा प्रहलाद है, दोनों को आपने जवान बनाया है। एक ध्रुव बालक जो माँ की बाप की गोद में बैठने से माँ ने रोका था और निराश होकर खेद से निकल गया, ग्लानी से भरकर निकल गया, आप ही तो रास्ते में मिलकर उसको जवान बना दिया, आपने तो उसको कृतकृत्य कर दिया। और एक प्रहलाद जो है जब उनकी माँ के पेट में था कया धू के उदर में, तभी तो आपने सत्संग देकर के उसमें संजीवनी सींच दी थी। नारद जी इस तर्क पर बाध्य हो गए और फिर आप जानते हैं कि उसको उसको जुवान करने का एकमात्र उपाय बताया है भागवत की कथा, सनत कुमार की राय ली गई और फिर यही सत्र की बात हुई कि भाई भगवान की कथा करो और उसमें आप बैठो तो वो जवान हो जाएंगे। ये कोई सूत्र केवल थोड़े हैं, ये अनुभूति है। मैं आप लोग भी देख रहा हूं ये सब कि कुछ हलचल होती है लोगों में, लोगों का कुछ छोड़ने की वृत्ति बढ़ी है, लोगों का विवेक बढ़ा है। हम कई लोग वहीं के वहीं हैं, वो तो ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी होता, लेकिन बहुतों में ये परिवर्तन पाया जा रहा है देश विदेशों में। तो मेरे कहने का मतलब भक्ति यदि है तो इसका पंथ भक्ति है, इसका पक्ष भक्ति है। उपनिषदों के पास जाना है तो
तो आपको ज्ञान के पंथ पर रास्ता यात्रा वो भी अद्भुत है। कहीं भी जाओ आखिर में तो सब एक है। ये तो हमारी रुचि की भिन्नता के कारण बिलक बिलक सब रास्ते हैं। तो एक तो कठिन कुसंग हमको जाने से रोकता है और दूसरा कराल कुपथ कंटकीर्ण कुपथ, जिसके लिए जो रास्ता है वही ठीक है। भगवान की कथा में तो भक्ति समन्वित होकर जाना, नारद जी ने तो यही घोषणा की थी ना कि मैं घर घर में भक्ति को प्रस्थापित कर दूंगा। तो भगवान की कथा तक पहुंचना है तो पहले ये दो विघ्न, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। अब जो कुसंग हैं, जो खराब संगी लोग हैं, वो बोलेंगे कथा में क्या रखा है, कथा क्या है, है कौन संत है, कौन बड़ा महात्मा है, सब ठीक है और तुम भी कथा सुनते हो, इसमें क्या होगा, ये सब ये है ये है। ऐसा लोग ऐसे बाघ हरि, हरि माने शेर, सिंह, दहाड़ेंगे लोग, चिल्लाएंगे लोग और वो तुमको रोकेगा। और खराब रास्ता मिलेगा तो सांप बोलता तो नहीं, लेकिन सांप ऐसे मार्ग में चलेंगे तो सांप परेशान करेगा, व्याल परेशान करेगा। हमारे ग्रंथों में बहुत सी मुद्राएं आती है, मैंने कभी चर्चा की कि नहीं मुझे याद नहीं, इसमें ये सब मुद्राएं, बाघ मुद्रा, भेड़ मुद्रा, मातृ मुद्रा, रंभा मुद्रा, भगिनी मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं, सुंदरी मुद्रा। तो बाघ और हरि जो हैं एक ऐसी मुद्रा है, ऐसा मुंह करके ऐसी बातें करके आपको भगवान की कथा में जाने से रुक। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कथा में आओ, आओ ना आओ मेरे सपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब मुद्रा वाले लोग हमको रोकेंगे। फिर आगे कुछ और भी बताया, इसको भी सुने। छोटे बड़े काम, गृह कार्य और छोटी बड़ी जंजाले जीवन की, ये है पर्वत की गिरिमालाएं। मानसरोवर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदार जाते हैं तो थक जाते हैं, देखते देखते लगता है कि ये जो शिखर है उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो वहां जाए तो दूसरा शिखर निकलता है। सबका अनुभव है, कितने ही मोड़ से गुजरो, एक के बाद एक, और बद्रीनाथ पहुंच जाओ तब भी थोड़ा रुका है, तब भी और दिखाई देता है, आगे दिखाई देता है, जितना आगे जाओ। ये सब संसार की जो घटनाएं हैं, गृह कार्य, ये सब छोटे बड़े, ये सब गिरिमालाएं हैं। एक पूरा हो तो दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा। इनमें से अवकाश निकालना बड़ा मुश्किल है, तब राम कृपा की जरूरत होती है। तो कुछ ना कुछ घटनाएं हमको रोक, इसलिए मैं तो कहता हूं कि साल में एक बार कथा सुनो, लेकिन बिल्कुल कथा के लिए ही समय निकाल करके सुनो, उस समय और कोई प्रवृत्ति नहीं। चलो समय मिल गया और कथा सुन लो, इतनी कथा सस्ती नहीं है। हाँ लोग कहते हैं घूमने निकले थे तो कथा हो रही थी, हुआ कि चलो ना ऐसे ही समय नहीं जा रहा तो जरा दो घंटे, ये समय निकालने का साधन नहीं है, ये चिकित्सा हो रही है। अस्पताल में कोई ऐसे घूमने नहीं जाता
कि चलो ना अस्पताल के कमरे में ऑपरेशन थिएटर में जरा घूम आए, कोई काम नहीं जरा घूम आए, नहीं तुमको कोई प्रवेश नहीं देता वहां, खास समय लेकर कथा सुन। लोग कहते सत्संग का कोई फल तो नहीं दिखा हमारे जीवन में, नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखाए? तुम उसके लिए ताजा तरोजा समय निकालो, खास उसी के। देखिए शादी के लिए जैसा, मैं तो कहूंगा शादी के लिए बाराती जितना समय निकाले इससे भी नहीं, दूल्हा जो समय निकाले ऐसा समय निकालना चाहिए। कथा के लिए दुल्हे की तरह समय निकालना चाहिए, कथा के लिए ही कथा। लोग कथा कर लेते हैं फिर इससे चंदा एकत्रित करते, कोई अच्छा काम करते हैं लोक कल्याण की, ठीक है वो तो सब गौण है, मूल बात तो कथा के लिए ही कथा, उसके लिए ही। हमारे देहातों में, मैं कभी कभी कहा गुजरात में, आप सब जानते होंगे हर जगह देहातों में जो बोर बेचने आते हैं लोग, गरीब लोग, और बोर देते हैं तो पहले तो कोई पैसे की लेन, ये हमारा खुद का भी अनुभव है, पैसे की लेन देन नहीं थी तो पैसा तो था भी नहीं देहातों में, तो बोर को बेचने आए बैर तो उसका एक नाप होता है डिब्बी जैसा, उसमें तो उसके बदले में बाजरी देनी पड़ती, जुआर देनी, तो इतना दो फिर वो बोर दे। और आदमी का स्वभाव होता है कि बोर लेने जाए तो बाजरी देगा और कहेगा कि थोड़ा और बोर दाना, तो वो कहेगी तेरी बाजरी कम है और बोर ज्यादा मांगता है, और तुम्हारा समय ऐसा ठीक नहीं, और तुम कहते हो जल्दी सुधर जाए जल्दी से, जरा बाजरी तो ज्यादा दो फिर ज्यादा बोर। अब बाजरी यानी तुमको कुछ देना नहीं है भैया, तुम केवल कथा के लिए समय निकाल करके कथा सुन। जैसे रविवार है समय नहीं जाता है तो ताश खेल ले, वैसे कथा नहीं है कि समय नहीं जा रहा है तो चलो कथा में चल जाए, इतनी सस्ती नहीं है कथा। संसार की छोटी बड़ी जंजाले गिरिमाड़ाएं हैं, और हम ऐसी जड़ता नहीं करेंगे कि सब कुछ छोड़कर कथा में, साल में कोई ऐसा समय निकालो कि जो केवल कथा के लिए ही हो, बस। कह कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहिल देठा, पूरा का पूरा पा करके जाना चाहिए, वरना तो घर की ये जो गृह कारज जो है ये सब जंजाले हैं वो बहुत रोकेगी, स्वाभाविक है सबको। तीन के बचन बाग हरिया संग भी तुमको बाधा बनते हैं। तुम जा रहे थे सत्संग में, निश्चित किया कि चलो हरियाणा में कथा हो रही है वहीं जाना है, जो समय मिला है बस इतना समय कथा में देना है, और तुम निकले कथा में और रास्ते में मिल गया मित्र कि भाई मैं तेरे घर ही आ रहा था, मेरी शादी है, तू नहीं आएगा? तो शादी के बहाने भी ये जंजाल तुमको कथा से रोक देती। खराब तो नहीं है शादी, जुआ खेलने जाना तो खराब है, लेकिन ये तो अच्छी वस्तु है, वो सात्विक प्रतिबंध लग जाता है, बहुत कठिन है, दुर्गम है सब, दुर्गम सबको रोक। इसमें आप श्रोता वक्ता सबके लिए सब विघ्न है, ध्यान देना, कथा केंद्र में है, चाहे वक्ता हो श्रोता हो सबके लिए ये है, ये सब दुर्गम है, विशाल है, ये सब जंजाल है, वो नहीं जाने देते आगे। मान ये सब जंगल है, विषम जंगल है,
जिससे गुजरना पार होना बड़ा मुश्किल है। मोह बहुत बड़ा जंगल है, व्याख्या करनी आसान है। मद बहुत बड़ा जंगल है और मान अभिमान बहुत बड़ा जंगल है। मान और मद में अंतर है। मद उसको कहते हैं जो समयांतर पर उतर जाता है और मान उसको कहते हैं जो उतरता नहीं। मद जैसे मदिरा दो घंटे रहा उतर गई, लेकिन मान जिसने पी लिया वो तो अभिमान के रूप में पलट जाता है धीरे धीरे। बहुत गहराई, इतना अंतर है मद मान में। दोनों नशे की ही बात है, लेकिन एक समयांतर है, उतर जाती है, फिर पियो फिर उतर, लेकिन उतर जाती है। लेकिन मान एक ऐसा है कि वो कोई ना कोई नाम से आदमी को पकड़े रहता है। यह है विषम वन, बेहद जंगल है ये, बहुत कठिन है। और इससे भी कठिन विघ्न गोस्वामी जी ने कितना मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा। नदी कुतर भयंकर मानसरोवर जाने में लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि हमको जाना है तो पूछता रहता हूं, तो कहते हैं कि बापू ये नदी बीच में आती है तो दो दिन रुक जाना पड़ता है, ये नदी है, ये सब नदियां बीच में है। यहां भगवान की कथा तक पहुंचने में कौन नदियां, कितनी सटीक बात। कुतरकुंपी नदियां भयंकर बहती है जो यहां पहुंच, तर्क भी ठीक नहीं, लेकिन चलो तर्क अच्छी बात है, लेकिन उतर्क तो तर्क भी अच्छी बात नहीं है, ध्यान देना, तर्क से भी मुक्त हो। क्योंकि जिसकी कथा में हम जाते हैं गाते हैं वो तर्क से पकड़ा नहीं जाता। राम अतर्क बुद्धि मन मत असर सुन सरा। राम अतर्क हैं, तर्क से काम नहीं चलता। कोई तर्कमा इनमें भी कुतर्क है, वो तो बहुत बड़ी गहरी नदियां हैं। राम कथा सुनते तुम्हारे मन में जिज्ञासा, मेरे पास कितनी जिज्ञासा आती रहती है, जहां तक कथा का ताल्लुक होता है मेरी समझ में जो आता है मैं कहता रहता हूं, तो ये तो अच्छी बात है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क वो भयंकर नदी है, वो हमको पार नहीं होने देती, बहुत मुश्किल। कुतर्क से बचे, तर्क आदमी को तोड़ देता है। ऐसी निर्णयात्मक बुद्धि तक आदमी पहुंचे तभी पहुंच सकता है जब कुतर्क का मार्ग छोड़ दे। तो एक कुतर्क, कई प्रकार के कुतर्क लोग लगा लेंगे, आप कथा में जाएंगे तो न जाने कितने कितने कुतर्क करेंगे, क्या होगा क्या होगा ये। और आगे बोले संबल रहित न रही संतन कर भाता चाहिए, नाश्ते का डिब्बा साथ में चाहिए, बड़ी यात्रा में कुछ संबल चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, अच्छा संग चाहिए। कौन संग से कथा में पहुंचोगे, संत का संग चाहिए, कोई संग नहीं, साधु का संग। और तीसरी शर्त है रघुनाथ जी जिसको प्रिय होना चाहिए वही तो पहुंच सकता है। और आगे कहे जो कहीं जाई को
करके कोई जा भी गया, पहुंच भी गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर निंदा आने लगेगी, जमहाइयां लेने लगेंगे, ये सब कुछ निंदा मतलब तमोगुण, ये सब रोकेंगे। और यहां निंद का अर्थ स्थूल रूप में मत लेना। मान सरोवर कोई पहुंचे और उसको नींद आने लगे, वो जीवन का सत्य नहीं, क्योंकि ठंडी ही इतनी है, सोग कैसे है, थकावट के कारण शायद नींद आ भी जाए, लेकिन ये नींद आती है उसको भी, लेकिन सूक्ष्म रूप में। नींद का मतलब है तमोगुण, वो विघ्न है, वो चुका देगा, कुछ बातें चुक जाएंगे हम लोग, विघ्न करेगी नहीं। फिर आगे बोले जड़ता जा शर्दी थी, अब फिर मान सरोवर में स्नान करेंगे तो और जड़ता जाग लग जाएगी, तो फिर इस डर से कोई नहाएगा नहीं। लेकिन हिमालय में जाने वाले, खास वहीं के रहने वाले तो यही कहते, तिब्बत के भाई बहन तो यही कहते हैं, मैंने पढ़ लिया है, उसके अभिप्राय तो ये है कि यहाँ आते आते जिसको सर्दी लगती है उसकी सर्दी तभी मिलकर नष्ट होती है जब ठंडे जल में स्नान कर ले। लगेगा विचित्र, लेकिन ये तिब्बतियनों का अनुभव है कि बहुत सर्दी लगी, कप रहे हैं सर्दी, लेकिन उसके लिए बहुत सी दवाइयां तो कारगर होती, लेकिन वो लोग तो कहते कि इसकी दवा एकमात्र है इस शीत जल में नहा लो हिम्मत करके। वैसे राम कथा के पास आने में तुम्हारी जड़ता तुमको मुश्किल, लेकिन इसमें डूबने से ही सर्दी खत्म होने वाली, और कोई उपाय नहीं है। लोकाय कथा में मन नहीं लगता, क्या करें, लगे कुछ भी हो, जड़ता को मिटाने वाली एकमात्र भगवत कथा है, और कोई उपाय नहीं। तो जड़ता के कारण, इस सर्दी के कारण, इस कफादि के कारण गयन मज्जन पाव अभागा, जाते भी हैं तो भी मज्जन नहीं करते। एकमात्र उपाय है कि मज्जन करो। और बाबा बोले करी जा स्नान नहीं कर पाता, पान नहीं कर पाता, न पान किया न स्नान किया, और फिर लौटेगा तो कोई तो कहेगा कि जाकर लौटा, तो फिर अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए अभिमान घोषित करेगा, क्या रखा है वहां, मरना है तो जाओ, कुछ नहीं है वहां, अभिमान लेकर लौटता है। जहां अहंकार छोड़ना था, जहां अपने को पूरा का पूरा समर्पित कर देना था, वहां से लौटते समय अभिमान लेकर लौटता है। शायद इस श्रोताओं से ज्यादा वक्ताओं के लिए लागू पड़ता है। वक्ता लोग पहुंच जाते हैं लेकिन पूरा पीते नहीं, नहाते नहीं, और फिर अहंकार से बातें करते रहते हैं, ये ऐसा हो जाता है। ये हमारी बीमारी है दोनों की, ये सब सूत्र दोनों के लिए कथा केंद्र में। और बाबा बोले और फिर कोई पूछ
पूछने आएगा कि आप भाई गए थे मानसरोवर तो फिर नहाए बिना आया है, पान किए बिना आया है, जड़ता ने उसको जकड़ लिया है, तो फिर अभिमान के साथ लौटा है, तो फिर अपने उसको छुपाने के लिए फिर क्या करेगा? सरोवर की निंदा करेगा। उसमें कुछ नहीं है, घर में रहो मन चंगा तो कथोटे में गंगा, ऐसी बातें करेगा, ऐसा करेगा। कथा तक पहुंच जाएंगे लेकिन जड़ता के कारण फिर कथा की आलोचना करके, इतना बड़ा खर्चा होता है इससे क्या फायदा, इतना बड़ा खर्चा किया इससे तो कुछ ऐसा किया होता तो ये सब शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है, ये सब मानसिक चिकित्सा है मेरे भाई बहन। बहुत मन को ऐसा करना पड़ता है। आप पैसे लेकर जाओ, मैं कथाओं में कहता हूं, आप भी सोचिएगा, मैंने शायद लास्ट कथा में, गत कथा में भी ये कहा, पहले भी कहा, आपके पास पैसे हैं तो आप मंदिर के द्वार तक पहुंच सकते हैं, मंदिर में नहीं पहुंच सकते, ध्यान देना। आपने 1,00,000 रुपया दे दिया, दो अच्छा है दान करो, लेकिन आपकी तख्ती मंदिर के द्वार पर लग जाती है। पैसा तुमको, धन तुमको मंदिर के दरवाजे तक ही पहुंचा सकता है, आगे नो एंट्री, आगे प्रवेश नहीं है। शरीर की शुद्धि मंदिर में प्रवेश करा देती है। मंदिर में प्रवेश धन से नहीं होता, शरीर की शुद्धि, धन की शुद्धि, यानी दान दिया धन की शुद्धि हुई तो मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। शरीर को शुद्ध करने से मंदिर के अंदर पहुंच गए, लेकिन मन को शुद्ध करने से मूर्ति के अंदर प्रवेश हो जाता है। जहां मूर्ति बैठी है, जहां ठाकुर का श्री विग्रह है, उनमें प्रवेश करना, उस समय तो मन शुद्ध हो। तो ये 3 रीत है, और ये यदि हम में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? न पहुंच पाए मन से, न शरीर, शरीर से तो गए लेकिन अंदर नहीं प्रवेश पाए, उसकी उसकी भीतरी महिमा को न समझ पाए, तो फिर क्या करेंगे? शर्मिंदा करिता ही पूजा। जो कोई पूछने आया है कि भाई कैसी लगी कथा, कैसा लगा यात्रा मानसरोवर की, तो फिर उसकी निंदा सुनाएंगे कि भाई इसमें क्या रखा है, कथा सुनी सुनी फूटिया कान, ऐसा कहेंगे। फिर खाने तो ठीक कहा होगा एक भक्त ने, लेकिन गलत अर्थ लोगों ने ले लिया। फिर आ गए सकल विघ्न नहीं लागू होगा जिस पर राम ने सुकृपा से देख लिया, प्रभु की कृपा कर। कथा में आना कोई आयोजकों के निमंत्रण से थोड़ा होता है, ठाकुर के निमंत्रण से हुआ करता है। आयोजक तो निमित्त बन जाते हैं, बाकी कथा में हम और आप आते हैं वो किसी की वो नहीं है, वो तो जब ठाकुर बुलाए तभी कथा में पहुंचा जाता। तो राम जब सुकृपा से देख ले तब कथा में पहुंचा जाता है। और बोले सोई सागर श्रद्धा से स्नान कर लेता है तो भयंकर त्रैताप में कभी जलेगा नहीं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। तो सादर जो स्नान करेगा वो त्रैताप में कभी जलेगा नहीं। बाबा बोले का जिनके
श्रोता ऐसा वक्ता इस सरोवर को कभी भी नहीं छोड़ेगा जिसको राम के चरणों में चंदा भाव है, भला भाव है, वो कभी इसको छोड़ नहीं पाएगा। और जाकर सफल होना है, नहाना है, जो चाहता है तो उसके लिए मानसरोवर जाने के लिए डॉक्टर कहते हैं सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, सब रिपोर्ट। तो संतों के संग में रहकर अपने को फिट करो, मन लगा करके सत्संग करो, तभी ये यात्रा संपन्न होगी। आगे सब मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध है, इसलिए मैं इसको मानस शास्त्र कहता हूँ। कितनी मनोवैज्ञानिक ढंग से ये चिकित्सा होती है। तो संघर्ष की तीन मां वैसे तीन बाप, रोष, बल और प्रताप। आप किसी को प्रताप, किसी के प्रताप को देखकर संघर्ष न कर सको शरीर से, न पैसों से जीत पाओ, न बुद्धि से जीत पाओ, न शरीर बल से जीत पाओ, लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति संघर्ष पैदा हो ही जाएगा। इसका इतना प्रताप, ये इतना बड़ा, न तुम किसी प्रकार से तुम उसके साथ टक्कर नहीं ले सको, तो तुम्हारे मन में तो संघर्ष हो ही जाएगा। प्रताप संघर्ष का जनक है। बल, दूसरे व्यक्ति का बल तुम्हारे में संघर्ष पैदा करता है। और तीसरा रोष। लेकिन ये तीनों वस्तु खराब है, मैंने कल भी कहा था कि ये तीन वस्तु जो आगे की संघर्ष ही पैदा करे, इसी नहीं, यदि वाणी ठीक हो जाए, यदि क्रिया शांत हो जाए और यदि नेत्र में पुण्य बस जाए, तो वही संघर्ष की जगह समर्पण का बेटा पैदा कर सकता है। शरणागति निश्चित हो जाती, मीठी बोली लोगों को बांध देती है, अच्छी चेष्टाएं हमको धन्य कर देती है, अच्छी निगाहें आदमी को वश कर लेती है। उसी तरह यहां भी बल, प्रताप और रोष संघर्ष को भी पैदा करता है, और यदि ये तीनों की दिशा बदल जाए तो समर्पण को भी पैदा करता है। जो तीन चीज यहां परशुराम जी के लिए है, क्या वो राम में नहीं है? तीनों राम में है, लेकिन राम जी में जब ये तीनों हैं तो कुछ और परिणाम निकला है, और यहां बाबा परशुराम में कुछ है तो कुछ और परिणाम निकला है। तुम्हारे में भाव भक्ति है ना, तो खराब चीज को भी तुम अमृत कर सकते हो, और तुम्हारे में भक्ति नहीं तो अमृत को तुम विष कर सकते हो। क्योंकि सवाल है वस्तु का नहीं, तुम्हारी भूमिका का। मैं कथाओं में कहता हूं कि यदि आदमी ठीक नहीं है, उसमें साधुता नहीं है, तो मंदिर को भी दुकान बना देगा। यदि तुम संसारी भी हो लेकिन तुम में साधुता है, तो तुम दुकान को भी मंदिर बना दोगे। फर्क इतना, और यह दुनिया में नजर आता है, साधुता पकी नहीं तो धर्मस्थान दुकान बन जाते, और साधु पक जाए तो बीवी बच्चों के बीच में रहकर तुम्हारा घर वृंदावन हो सकता है, घर चित्रकूट हो सकता है। कहने का अभिप्राय, भाव की प्रबल, यहां दूसरे पक्ष में, इसलिए तो परशुराम जी निमंत्रण दे रहे अपने हिसाब से।
तो ये तीन वस्तु, ये तीन बाप है संघर्ष के, समर्पण के, यदि उसकी दिशा बदल दी जाए। तो इसी को इस मनोवैज्ञानिक ढंग से कृपया इसका दर्शन करें। कौशिक सुनहु मंद यह कुटिल काल बस निज तुम घात भानु मनुष्य कलम निपट निरम अबुध असंकु काल कर आठ आठ दोष की चर्चा जो कल कर दी गई, जो एक प्रकार से दोष है दूसरे प्रकार से अच्छाइयां हैं। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र जी को कि हे कौशिक जी सुनिए, ये बालक काल कवल होने वाला है। अग जगनाग ये सब काल के कवल है, ये कौन, ये तो छोटा सा एक काल का भी कौर है। गोस्वामी जी ने ये पंक्ति दी है, अग जग देवा नाथ सकल जग काल करे। इतने बड़े बड़े काल के कवल है, वे तो छोटा सा राजकुमार है, कवल का भी एक छोटा अंश है। और यहां अच्छी गिनती है, काल का सबसे छोटा अंश। परशुराम जी का इशारा यह है कि मेरा फरसा चलने में देर हो सकती है लेकिन उनको मरने में देर नहीं होगी। क्षण मात्र काल का सबसे छोटा अंश क्षण है, एक क्षण मात्र में यह काल के हवाले हो जाएगा। और फिर मुझे कोई कृपया दोष न दे, मैं पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके दुनिया को कहता हूं, फिर कोई ये मत कहना कि ये बालक को मार दिया। एक क्षण मात्र में ये काल कवल होने वाला है, फरसा में यहां से उठाऊं ये करूं ये करूं। किसी ने आज पूछा है कि बापू भगवान ये सब इतना बड़ा संघर्ष छिड़ गया, ये हो गया ये हो गया, तो भगवान सबसे पहले जाकर परशुराम जी एक कुहाड़ा बार बार दिखाते थे बाबा, तो उसको छू लेते तो समाप्त हो जाता सब। अरे नहीं समाप्त होता, और बढ़ जाता, क्योंकि भगवान ने शंकर के धनुष को छुआ तो टूट गया तो ये भी टूट जाता, और बाबा का कुहाड़ा टूटता तो न जाने क्या भवंडर बच जाता। छुआ तो टूट, रघुपति ने एक शिव धनुष को छुआ तो इतनी भयंकरता आ गई, और वो बाबा के पास जाकर, क्योंकि ठाकुर को छूना पर्याप्त था। कहने का अभिप्राय, मेरा फरसा में कंधे से ऐसे करके उसको प्रहार करूं इसमें देर हो सकती है, मरने में उसको देर नहीं होगी, क्योंकि ये कवल भी नहीं है, कवल का भी एक छोटा सा छोटा अंतिम कौर है, एक क्षण मात्र में काल के हवाले, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला बाद में मुझे दोष मत देना। और कौशिक जी आप यदि चाहते हैं इसको बचाना है, तुम्हारा कर्तव्य, तुम लाए हो, तुम्हारा बच्चा अपने साथ को आए हो, बच्चा शरारती करे तो पालक का कर्तव्य है कि इस बच्चे को रोके, आपका कर्तव्य है। आप जाएंगे अयोध्या तो आपको पूछा जाएगा कि हमारा एक बेटा कहां गया, क्या हो गया, तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए आगे की पंक्ति बोले, हट कहूं जो चरण उबाया, कहीं प्रताप दोष एक क्षण में काला दीन होगा ये बालक। यदि महाराज विश्वामित्र जी आप उसको बचाना चाहते हैं, हाँ आप भी बचाना ना चाहे तो बात और है,
आप भी यदि ये चाहते हैं कि बल मर जाए कटु आदि है छोड़ो, बार बार ऐसा बोलता रहता है तो न जाने आगे भी कितनी झंझट खड़ा करेंगे। यदि आप भी इसी मत के कि चलो खत्म हो जाए तो बात हो रही, लेकिन यदि आप चाहते हैं उसको बचाना तो रोक लीजिए। और बाबा बोले रोकना है ऐसा मत कर, मत रोकना कि बेटा शांत हो जाओ, बाबा जी है इसके साथ ऐसा मत करो, साधु महात्मा है इसके साथ ऐसा बोलना ठीक नहीं, तुम वशिष्ठ जी के पास पढ़े हो, शीलवान हो, ये है, ऐसा कहकर मत उसको रोकना। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, ये केवल मैं कोई साधु बाबा नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं कि तुम मेरा परिचय ये देकर उसको रोको। कहीं प्रताप बल रोष हमारे, प्रताप को, हमारे बल को और हमारे रोष को उसको कहो। मेरा प्रताप है कि फरसा उठता है तो गर्भ में रहे बच्चे माताओं गर्भपात हो जाता है, इतना मेरा फरसा। भुज बल भूमि भूप बिनु पिंड, मेरा बल जो है मैंने भुजा के बल से ये भूमि को राजाओं से हीन कर दी, और मेरा रोष तो सब जानते ही हैं कि कितना, ये तीनों का प्रताप आप बता दीजिए उसको। प्रताप बल और रोष इंसान में होना चाहिए, ध्यान देना, लेकिन किसके पास होना चाहिए? राम के पास, परशुराम के पास नहीं। ये तीनों चीज परशुराम के पास होती है तो खतरा पैदा है, राम के पास होती है तो अच्छा है। एक अर्थ में भगवान राम में प्रताप नहीं है क्या? कोई कह सकता है भगवान का प्रताप रामचरितमानस में पग पग पर आपको मिलेगा। राम का बल वो तो इसी सभा में सिद्ध हुआ है कि उसने धनुष भंग कर दिया, उसके बल की महिमा। और भगवान राम जी में रोष नहीं है क्या? हम झूठा बचाव नहीं करेंगे, हाँ नीचे बैठेंगे तो राम की आरती होता है, यहां तो राम जी को भी अदालत में खड़ा करेंगे क्योंकि ये व्यास गादी है, नीचे तो दंडवत कर लेंगे उसको, उसकी तो पूजा करते स्मरण करते, लेकिन राम जी में रोष नहीं है। बिनयन मानत जल भी अर्थ करो उसका, सीधा साधा भाषांतर कर लो। बोले राम सकोप तप, तीन दिन समुद्र के पास बैठे कि भाई कोई रास्ता दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ, और समंदर ने तीन दिन में कोई निर्णय नहीं दिया, तो बोले राम सकोप तप, एकदम कुपित हो गए रघुनाथ जी और कुपित, और मेरे ठाकुर और इनमें कोप वो तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन लिखा है और इसी सूत्र के साथ लिखा कि भय बिन हो न प्रीति, बिना भय भीति प्रीति नहीं हो सकती, तो सकोप है, रोष है राम में, ऐसा सिद्ध होता। जो अपराध भगत कर कर तो राम रोष पावत सो जरे। ये प्रमाण है, राम के क्रोधाग्नि में जल जाता है यदि कोई भक्त का अपराध करता है। कोई ना कोई स्वरूप में प्रभु ने भले लीला की हो गई, इनमें विकार नहीं है, संस्कार है, जीव में ये सब विकार है, लीला में ये सब संस्कार है, इसमें विकार का रूप नहीं, लेकिन क्रोध तो किया ठाकुर ने जरूर किया। लेकिन क्रोध करते हैं तब भी उसका परिणाम कितना सुंदर होता है। इस क्रोध ने संघर्ष निर्माण नहीं किया, समुद्र की शरणागति सिद्ध कर दी, शरणागति हो गई, इस संघर्ष का संतान समर्पण हो गया प्रभु। और भगवान को क्रोध आया तो फिर उसको हथियार लेने की जरूरत पड़ती है, उसमें क्रोध है, लेकिन वो क्रोध काम क्या करता है रामायण में एक और सूत्र के रूप में,
निर्वाण दायक क्रोध जायन भगति अवसर बस जिसका क्रोध निर्वाण देता है उसके क्रोध से मुक्ति निर्माण होती इस क्रोध से मोक्ष मिलता है इस क्रोध से निर्वाण का नाम दिया जाता ऐसा क्रोध लक्ष्मण बाण सरासन हमारे अयोध्या के महात्मा इसका अर्थ लगाते कई महात्माओं से मैंने यह अर्थ सुना कि भगवान तीन दिन दर्भासन पर बैठे थे समुद्र से याचना कर रहे थे कि भाई हमको रास्ता बताओ लंका में जाना है आदि आदि और तीन दिन हो गए फिर समंदर पर कोप हो गया प्रभु को और फिर भगवान ने क्या किया आप पाठ करते हैं भगवान ने तुरंत कोप में यही वाक्य कहा लक्ष्मण बाण सरासन आन लक्ष्मण मेरे धनुष बाण ला अब भगवान लक्ष्मण जी से धनुष बाण मांगते हैं कि ला तो कहां थे वो भगवान ने कहां रख दिए थे वहां कोई मकान तो नहीं था कि दीवार से लटका दिए हो और समुद्र के तट पर बिल्कुल जाकर बैठे थे वहां कोई पेड़ पौधे भी नहीं कि उसकी शाखा पर लटका दिए हो और क्षत्रिय अपने धनुष बाण को दूर नहीं रखता सदैव साथ रखते इसलिए गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं राजीव नयन धरे धनुषायक वो सदैव धनुषायक समेत ही रहते हैं क्योंकि कब भक्त की विपत्ति तोड़ने का प्रसंग आए फिर खोजने जाए तो देर हो सकती है इसलिए मंदिर में हमने रघुनाथ जी को बिठाए तो भी धरे धनुषायक बिठाए तो यहां भगवान ने कहीं धनुष बाण दूर रखे होंगे बैठे होंगे दर्भ के आसन पर तो निकट रख दिए होंगे क्योंकि उपासना में शस्त्र रखना ठीक नहीं इसलिए नीचे रख दिए होंगे तो नीचे थे तो वहीं से लेने में कितनी देर लगती वहां लक्ष्मण जी को क्यों कहा कि लक्ष्मण बाण सरासनान लेकिन प्रभु का कोप भी तो निर्वाण दायक है लक्ष्मण जी के मन में संदेह भी हो गया था और लक्ष्मण जी ने उसके बाद प्रश्न भी कर लिया भगवान जब विश्राम में रहे होंगे तब पूछ भी लिया कि सरकार धनुष बाण आपके पास ही पड़े थे तो मेरे पास क्यों मांगा किला मेरे धनुष बाण आप कभी ऐसा तो नहीं करते तुरंत उठा लेते भगवान ने कहा लखन मैंने कोप तो किया समुद्र पर लेकिन तेरे से धनुष बाण इसीलिए मांगा कि तू उठाकर मुझे दे इतने समय में भी समुद्र समझ जाए तो मुझे दंड नहीं देना था ये है कोप निर्वाण दायक कोप के पीछे है तू ध्यान देना उपदेश महत्व का नहीं है उद्देश्य महत्व का है मैं बोलता रहता हूं कि उपदेश नहीं है मैं कोई उपदेश कभी भी इतना महत्व उपदेश के पीछे उद्देश्य क्या है उद्देश्य को पकड़ो सार को पकड़ो वही सारभूत वस्तु वही है लक्ष्मण बाण सरासन सठ सन कुटिल ससन सहज कृपन फिर भगवान पूरा नीति शास्त्र कहने लगे षट से आगे विनय ठीक नहीं कुटिल से प्रीत लेकिन ये समुद्र को माध्यम बना करके बोले गए इसलिए सब दोष समुद्र के है वो शट है वो कुटिल कभी कहूंगा व्यास गादी को जो दिखाई देता सब उनके लक्षण हो जाते हैं वैसे तो एक नीति शास्त्र है कि भाई शट के साथ ये नो लेकिन उस समय शटता उसको भी लगी हुई सब लक्षण शटता के जो जो यहां गिनाए उस समुद्र को लग जाता है वहां तो प्रभु कोप करते हैं लेकिन भगवान का कोप संघर्ष का जनक नहीं है समर्पण का जनक है निर्वाण का जनक है भगवान राम ने धनुष को तोड़ा वैसे प्रभु को कोई बल नहीं लगाना पड़ा खेल खेल में टूटा है
लेकिन वहां बल की वो तो हुई, बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं कुछ कर पाए थे। धनुष भंग होता है बड़ी रोचक कथा, आप जानते जितने राजे महाराजे शिव धनुष भंग में आए थे जनक राज के धनुष यज्ञ में, गोस्वामी जी लिखते हैं सब राजा अपने अपने इष्ट देव को सिर झुका झुका करके उठे थे, ऐसा लिखा है। इष्ट देव को प्रणाम करते करते धनुष तोड़ने के लिए सब उठते थे बारी बारी, लेकिन उनके इष्ट देव का नाम नहीं लिखा है कि उनके इष्ट देव कौन थे, भगवान जाने कौन इष्ट देव उनके। इसलिए गोस्वामी जी का तर्क है कि ये सब बिलग बिलग इष्ट देव को सिर नवा करके उठे, इससे तो अच्छा था मंच पर जो बैठा था वो इष्ट देव को सिर नवा कर उठता ना तो धनुष टूट गया होता। लेकिन भटकते रहे। दो बात ध्यान रखना इस मार्ग में आने वालों को सूत्र के रूप में, अटको मत और भटको मत। अपने मार्ग में धीमे चलो लेकिन रुको मत, चलते जाओ निरंतर धीमी गति, अपनी जो गति। कोई 21,000 जप करे, हम 21 कर सके 21 ही सही, लेकिन नहीं, चलते रहो चलते रहो, अटको मत। और दूसरा खास सूत्र, भटको मत। मुझे ये बात मैं कलकत्ते में कह रहा था तो दूसरे ही दिन किसी ने पूछा कि बापू आप कहते हैं अटके ना भटके ना और ये दोनों हो जाएंगे तो क्या करें। मैंने कहा फिर लटक जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। भक्ति मार्ग, हरि मार्ग, प्रभु का मार्ग, सत्य का मार्ग, जो नाम देना चाहो उसमें धीमी गति से चलो। चलो मैं फिर एक बार कहूं, वहां कोई सौदेबाजी नहीं कि तुम इतना करो तभी वो मिलता है। वहां तो एक चुन्नु जल से मिल जाता है, वहां तो केवल इतनी ही मांग है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अटको मत और भटको मत, सब भटकन बंद हो जाए जीव की। तो ये बिलग बिलग इष्ट देव को पुकार पुकार करके उठे तो ये दुनिया का इष्टों का इष्ट बैठा था रघुनाथ जी, लेकिन ये मूढ़ लोग उसको उसको प्रणाम नहीं किया, वरना करते तो। मुझे तो ऐसा लगता है ये घटना घटी नहीं, लेकिन ये राम को याद करके प्रभु को प्रणाम करते ये मूढ़ राजा उठे होते तो धनुष टूट गया होता। और सीता नहीं, इन सबको भक्ति मिल गई होती, उसको भक्ति मिल ही जाती, लेकिन ये मूढ़ लोग इधर उधर भटकते रहे। तो भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, इसकी भुजा की बल की कौन कौन गिनती करे। लेकिन वो बल उपयोगी है, आवकार्य है वो बल जो हमारे अहंकार को तोड़ दे। हमारा बल अहंकार बढ़ा रहा है। परशुराम जी का बल अहंकार की घोषणा है और राम जी का बल अहंकार के धनुष को तोड़ देता है। अहंकार को तोड़ने के लिए मजबूती चाहिए, एक तिनका नहीं टूटता, अहंकार कैसे टूटेगा। उसके लिए आदमी साधक सबल होना चाहिए, तभी तो ये हिम्मत जुटा पाता है। और सबल यहां मेरा मतलब स्वाभाविक, आदमी सहज हो। मैं एक संत की डायरी पढ़ रहा था, उसमें एक प्रसंग आया। एक संत थे, वो कहीं गाड़ी में मुसाफरी कर रहे थे, उसके साथ एक और गाड़ी भी चल रही थी पीछे पीछे, और इस गाड़ी में 5 व्यक्ति बैठे थे। कहते हैं लिखा है उसमें कि बनी घटना जो हो, लेकिन हमको सार भूख लगी बड़ी प्यारी है। तो गाड़ी में दूसरे 4-5 व्यक्ति बैठे थे, उसमें एक शराबी था, पीकर बैठा था, पूरी पी ली थी। फिर हुआ ऐसा कि कुछ गाड़ी उलट गई उसकी, तो 5 व्यक्ति बैठे थे, इनमें 4 को बहुत चोट लगी, शराबी को नहीं लगी। यहां शराब बनती है हरियाणा में, और मैंने पहले दिन भी उसकी, इसका कोई गलत अर्थ न करे, मैं पहले से आपको आगाह कर दूं,
क्योंकि इसका अर्थ आप गलत कर सकते हैं, इसलिए सोचिए। बड़ा अच्छा काम स्टेट ने नशाबंदी सख्ती से डिक्लेयर की है। सूत्र के रूप में समझिए, अब क्या हुआ कि पांच गिरे तो चार को चोट लगी, और एक शराबी था बड़ा पिक्कड़ था उसको नहीं लगी। तो फिर वो संत वहां गया, सबको निकाला, ठीक ठाक किया, और फिर उसने देखा और उसने अपनी डायरी में एक निर्णय लिखा कि चोट गिरने से नहीं लगती है। बड़ा प्यारा सूत्र है, क्योंकि गिरने से ही चोट यदि लगती है तो शराबी को भी लगनी चाहिए, क्योंकि पांचों गिरे थे। बड़ा विचित्र वाक्य है, लेकिन अंतरतम सोचने से अच्छा लगा कि चोट गिरने से नहीं लगती है, चोट लगती है संभलने की कोशिश करने से। ये चार जो थे ना संभलने की कोशिश करने गए, ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, इनमें चोट लगी, और वो तो शराबी था, उसको कोई बांध नहीं, सहज पड़ा, न कोई संभाला, न कुछ प्रयास किया, इसको चोट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पीना शुरू करो। मैं जिस अर्थ में कि हम तभी मार खाते हैं जब बहुत संभलने की कोशिश, जब सहज हो जाते हैं, जब स्वाभाविक हो। भगवान राम धनुष तोड़ने गए तब गोस्वामी जी ने क्या शब्द प्रयोग, सहज चले सकल जग स्वामी। कोई चेष्टा नहीं, ये राजा महाराजा खड़े होते, कोई कमर बांधता था, कोई ये करता था, कोई बाएं चढ़ाता था, कोई मुकुट, और मेरे रघुनाथ जी ने कोई ये नहीं, कोई नाटक नहीं किया। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सूरज का उदित करने के लिए कोई कोई निशान डंके नहीं बजाने पड़ते हैं, सूरज स्वाभाविक उदित होता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ऐसे सहज चल दिए। जितनी हमारे जीवन में सहजता ज्यादा इतनी चोट कम लगेगी। शराब भूल जाना, यहां ये तो उनका दर्शन है और बात ठीक लगती है। आपने कभी देखा बच्चे गिरते हैं तो कम लगता है, और 50 साल के बाद गिरो तो हड्डी टूटती है। क्यों भाई? क्योंकि तुम अक्कड़ हो। हम गिरे अने गरे तेरे पग्गी हो तुम्हारे, अने बच्चे गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, पलंग से गिर जाते हैं, पलंगों से गिर जाते, चोट नहीं लगती। सहज है बाप, वैसे साधु की तरह जब हम सहज हो जाएं तब गिरने से भी चोट नहीं लगती। दुनिया की कोई चोट असर नहीं करती। हम अकड़ गए हैं, हड्डियां टूट चकना चूर होती है, और कितने, और बच्चा गिरता है थोड़ी सी चोट लगी दूसरी ही क्षण खेलने लगता है। बेबूझ है, कुछ आता नहीं। जितना अपने आप को अक्कड़ता में संभालने की को इतने ज्यादा मार खा रहे हो, इसलिए सहज होइए। कबीर साहब का ये सूत्र है, साधो सहज समाधि भली। रमण महर्षि ने कहा करने से जो होता है वो एकाग्रता होती है, और स्वाभाविक होता है वो ध्यान होता है। इससे बढ़िया कौन या? करने से जो घटता है वो एकाग्रता होती है, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान तो वो है जो किसी की कृपा से स्वाभाविक हो गया। फिर समाधि की बात तो बहुत परी बात है। लोग कहते हैं ध्यान करे ध्यान करे, करने से ध्यान हो ही नहीं सकता प्यारे। कई लोग मुझे मिलते हैं, हम वहां ध्यान जरूर करो। एक ध्यान देना भाई, कोई गलत अर्थ ना करे, हाँ ध्यान भी एक चिकित्सा है जरूर। आज बहुत से ध्यान के प्रयोग होते हैं, लोग कहते हैं हमको बहुत रिलैक्स महसूस होता है, बहुत हल्कापन, बहुत शांति, ये सब अच्छे हैं, ये सब अच्छा है। लेकिन करने से जो हो वो एकाग्रता ही होती है। ध्यान दो करो, इसमें जब हो जाए, सहज होने से हो जाता। बच्चे के लिए मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा देखने में कभी एकाग्र हो जाता है, कोई हरी वस्तु देखने में एकाग्र हो जाए, और उसी समय यदि वो टॉयलेट कर दे, मल का त्याग करे, तो उसके मल में भी हरा रंग आने लगता है। यह है ध्यान, जब कृष्ण का किया और हम में भी उसी का रूप आने लगे, यह है ध्यान करने। और एकाग्रता हो जाए वो भी तो अच्छी वस्तु है, इसकी कोई बुरी वस्तु, लेकिन करने से जो भी होता है वो एकाग्रता होती है। किया हुआ इससे तो जो हो जाए उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बड़ी अद्भुत। तो गोस्वामी जी ने लिखा है ये सब राजे महाराजे कमर कसते थे, बड़े अक्कड़ होकर चलते थे, इसलिए गिरे, सबने चोट खाई,
और मेरे रघुनाथ जी को कुछ नहीं हुआ। राम ने चोट नहीं खाई, धनुष को चोट लग गई, धनुष टूट गया, राम न टूटे। बिगति जो व्यक्ति सहज बनेगा उनको कोई चोट नहीं आती, और उनमें फायदे भी बहुत है। ये बालक सहज होता है तो दांत गिर जाते हैं, फिर नए निकल जाते हैं। मैं सोचता हूं कि ये 50 साल हो तब गिर जाए, फिर नए होते तो कितने अच्छे। लेकिन उसके बाद जो घाटा आता है वो कभी पूरा नहीं किया, क्योंकि अक्कड़ता का घाटा है, अपने आप को मजबूत मानने का एक घाटा है, उसका पूरा करना जिम्मेवारी ठाकुर की नहीं। लेकिन बच्चा सहज भाव में जिसके दंत निकल जाते प्रभु उनको दूसरे दे देते हैं, ये नियम है। उसकी बालक की हड्डी टूटी तुरंत जुड़ जाती है, कुछ समय में, कुछ बातें तो कुछ क्षण में हो जाती है, कुछ को कुछ दिन लग जाते, बड़ी उम्र में टूटता है। तो गिरने से चोट नहीं लगती बाप, संभलने से चोट। मुझे मार गई ये बात, कि कितनी अद्भुत बात कह दी इस संत ने। मुझे स्मरण में आता है तब ये बहुत बड़ी बात, ये बड़ी डायरी दे दी रखी है मैं, जो मुझे बड़ा बहुत बल मिलता है इससे। कभी कभी उसको देख लेता हूं और कोई बात निकल जाती। हम समझदार, हम प्राउड, हम जानकार, और मार खा जाते हैं। रावण मुंह भर गिरा, गोस्वामी जी लिखते हैं, और राम की उम्र कितनी थी लेकिन राम जी को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल क्षण के अर्धभाग में धनुष टूट गया। और आवाज सुनकर जो अक्कड़ बैठे थे, जो फूट बनकर बैठे, मुंह भर गिरे। अक्कड़ता में चोट है, गिरने में चोट नहीं, सहज स्वाभाविक। तो भगवान राम के बल में अहंकार को तोड़ देता है। बालक भी तो कहता है मेरा खिलौना है, उसके पास ले लोगे तो कुछ देर रोएगा भी, लेकिन उसमें अहंकार नहीं है। और हम भी तो माम कहा करते रहते हैं, लेकिन वो अहंकार हमको मारता है, चोट देता है। तो भगवान राम का रोष निर्वाण देता है, समर्पण को जन्म देता है। रघुनाथ जी का रोष समर्पण का जनक है, पिता है। रघुनाथ जी का भुजबल अहंकार को चूर चूर करके भक्ति की जयमाला पहना देता है, और इस भाव का जनक है। तो भगवान का जो बल है और भगवान का प्रताप, प्रताप के बारे में तो क्या, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, फूल तोड़े तो पसीना हो जाए, धनुष तोड़े तो कुछ न हो, ये उनका प्रताप है। जिसके प्रताप से गरुड़ को छोटा सा सांप खा ले, ऐसा जिसका जिस वो प्रताप की बड़ी बड़ी महिमा है। मुझे तो लगता है मेरे भाई बहन, ऐसे प्रतापी लोग दुनिया का हित, जिसमें तीन वस्तु हो, मैं फिर कभी उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन मेरे अनुभव में जो उतर रहा है वो तीन वस्तु इस राष्ट्र को चाहिए। कोई शंभु चाहिए इस राष्ट्र को, कोई प्रभु चाहिए इस राष्ट्र को, और कोई विभू चाहिए इस राष्ट्र को। जब मेरे राष्ट्र को, मेरे देश को, मेरे इस महान भारत को और यहां की प्रजा को, फिर तो ये सूत्र भूगोल को चीरता हुआ विश्व कल्याण के हो सकते हैं। लेकिन मानव और राष्ट्र के लिए तीन वस्तु चाहिए, कोई प्रभु, कोई समर्थ व्यक्ति चाहिए। और कौन क्षेत्र के लिए प्रभु, कौन क्षेत्र के लिए विभू, कौन क्षेत्र के लिए शंभू, वो मेरे जो अनुभव में उतर रहा है। तीन चाहिए राष्ट्र, रघुनाथ जी ये तीनों है, तीनों है। वो शंभु भी है, हरिहर एक स्वरूप, वो राम भी है, शिव भी है,
क्या फर्क है कहने का फिर कभी। लेकिन मुझे ये कहना, जो रघुनाथ जी का प्रताप है, इन प्रताप के कारण आज उनकी कथागार है। प्रताप और प्रभाव दोनों का अर्थ करीब करीब एक है, लेकिन अंतरंग भेद है। प्रताप में ताप है, प्रभाव में भाव है। प्रताप से भी प्रभाव श्रेष्ठ है। प्रताप थोड़ा तपाएगा दूसरे को। राम प्रताप सुमेरि कपि को, जहां भी प्रताप, प्रताप में थोड़ा ताप है लेकिन प्रभाव में ताप नहीं है, प्रभाव में भाव का सर्जन है। प्रताप थोड़ा, प्रभाव से थोड़ा आक्रामक शब्द है प्रताप। प्रभाव थोड़ा शब्द वो है। तो भगवान का प्रताप, प्रताप तो है लेकिन ज्यादा प्रभाव है। प्रताप के साथ भी भाव लगा हुआ है इस प्रताप तपाने वाला। इसलिए राम सूर्यवंशी है और नाम के पीछे चंद्र लगा है। कल भी वो चर्चा मैंने दूसरे संदर्भ में आपके सामने रखी थी, भानुवंश राकेश कलंकु, सूरज और चंद्र का कैसे मिला। लेकिन रघुनाथ जी के स्वभाव में देखो तो दोनों का मिलान भी है। प्रभाव सूर्य समान और स्वभाव चंद्र समान, ये मेरे रघुनाथ जी की, रघुनाथ जी का संगम है। प्रभाव तो सूर्य के समान। उठे सकल जय रघुपति विश्वामित्र निकट बैठा। भगवान राम जनक की बाग में गए और जनकराज विश्वामित्र जी को मिलने आए। उस समय राम और लखन पहली बार प्रवेश किए। जनक ने सब बैठे थे और जनक कोई सामान्य नहीं है। सुखदेव जी को 7 दिन तक दरवाजे के बाहर खड़ा कर सकते हैं कि अभी मुझे समय नहीं, सुखदेव को कहो खड़े रहेगा, ऐसे है महाराज जनक। और राम का जब प्रवेश होता है खड़े हो गए। प्रभाव सूर्य की समान लेकिन स्वभाव चंद्र की समान शीतल है। ये परशुराम जी का प्रसंग जब जब स्मरण में आएगा मैं कहता चलूंगा। अभी भी एक कथा उस पर करनी है, 3 कथा से पूरा करेंगे। लेकिन आप देखिए लक्ष्मण जी जो जो बातें परशुराम जी के सामने कहते हैं उसी बात को ही करीब करीब भगवान भी कहते हैं। लेकिन लखन के कहने से परशुराम जी एकदम अकुला जाते हैं और राम जी के बोलने से परशुराम जी शांत होते हैं। लखन की बोली में बल की प्रधानता है, मेरे रघुनाथ जी की बोली में शील की प्रधानता। जहां शील वही बात कहते हैं रघुनाथ जी, थोड़ा घुमा करके एक ही बात थोड़ी घुमा दी, शील के साथ घुमा दी तो बहुत बहुत फायदाकारक हो जाती है। तो सूर्यवंश में जिसका जन्म है और जिसके जन्म के बाद नाम रखा है वो रामचंद्र है, रामभद्र है। दोनों शब्द का उच्चार होता है। सुमंत जी रामभद्र कहा करते थे रामायणों में, बचपन का नाम ठाकुर का रामभद्र कहते थे। मां भी कभी कहती है रामभद्र राघव, सुमंत जी भी उसी नाम से बुलाते। इसलिए तो एक दिन सुमंत रो पड़े, राजाधिराज रघुनाथ जी गादी पर बैठे, रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी और अचानक सुमंत जी से, महामंत्री है सुमंत और खबर नहीं उसको पता नहीं रहा, और कह दिए रामभद्र, और उसी समय रो पड़े, फुट फुट कर रोए। रघुनाथ जी अपने राज्य सिंहासन से उठे और सुमंत बाबा का हाथ पकड़ा, आप हमारे पिता हैं क्यों रोते हो। बोले क्षमा करें मुझसे अपराध हो गया, क्योंकि आप छोटे थे तब मैं रामभद्र कहता था, आज तो महाराजा राम रघुनाथ जी मुझे कह, क्योंकि आप मेरे महाराजा। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं दुनिया के लिए महाराजा हूं, तुम्हारे लिए तो रामभद्र ही हूं। यह है शील, यह है चंद्र की शीतलता। राम का अंश
राम की विभूति के रूप में जो जो महापुरुष हमारे संसार में आए उनमें भी दोनों उसका प्रताप और प्रभाव देखो को सूरज की तरह कि तुम उनके सामने देख न सको, बोल न पाओ, लेकिन उसका स्वभाव देखो तो चंद्र की तरह तुम्हें कृतकृत्य कर दे। रघुनाथ जी में दोनों है, भानुवंश राकेश कलंक, कलंक के बिना चंद्र है वो। तो प्रभु के भुजबल, प्रभु के प्रताप में ये दोनों खूबी है, प्रताप से भी ज्यादा प्रभाव है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रभाव परशुराम जी ने देखा तो परशुराम जो क्रोध में कांपते थे उनका बलि आ गए, प्रफुल्लित गात हो गए राम जी के सामने नेत्र में। जय रघुवंश बन जय सुंदर वचन रचना अति नागर। राम जी की स्तुति करते हुए परशुराम जी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, तब कहा कि महाराज आप वचन की रचना में बड़े नागर हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई भी तो वही बोलता था और मैं सोचता हूं विवेक से तो तुम भी तो वही कहते थे, लेकिन तुम्हारे बोल में मुझे कितना शीतलता मिली और लखन के बोल में मानो आहुति। परशुराम के क्रोध में लखन बोलते थे तो घी पड़ता था और रघुनाथ जी बोलते थे तो जल गिरता था, जल संबचन बोलते थे। जयति बचन रचना, परमात्मा का अनुभव हो और उसके बाद जो प्रार्थना है वो ही प्रार्थना है, अनुभव के पहले जो किया जाए वो तो शब्द रचना है, कविता है, छंद में हो सकती है, कान पकड़ लो छंद में हो सकती है, लेकिन सच्ची प्रार्थना तो तब फूटती है जब राम का प्रभाव जानने में आ जाए। फिर जो फिर तोतली बोली में क्यों ना हो, फिर छंद अछंदस क्यों ना हो, कोई छंद प्रबंध कोई कविता कोई ठिकाना क्यों ना। कबीर साहब बोलता है तो साधु कड़ी बोली बोलता है, कोई छंद प्रबंध का ठिकाना, लेकिन भगवान के अनुभव के बाद फूटी प्रार्थना। हम लोग अनुभव के बिना प्रार्थना करते हैं, इसलिए शब्द रचना का मूल्य है उसमें। सही प्रार्थना तो तभी फूटती है जब पहले अनुभव। गोस्वामी जी का ये मत है मेरा, कोई मैं तो अपने शब्दों में डालता रहता हूं, जाने बिनु न होई परीति। तुम्हारे में सही प्रार्थना फूटे तो समझना अनुभव के बाद फूटी, अनुभव से पहले हो ये शायद किसी की स्तुति हो सकती है, हो सकती है, लेकिन पूरा अनुभव हो जाए कि नहीं ये प्रभु है ये परमात्मा है, स्वभाव प्रभाव दोनों का पता लग जाए, फिर जो उठता है वो एक महत्व की घटना है बाप। जब किसी संत की प्रार्थना फूटी है तब समझना अनुभव होने के बाद फूटी है, आंखें नहीं तो प्रकाश कैसे देख पाओगे, पहले तो आंख है, आंख ही तो अनुभूति करा सकती है कि प्रकाश है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति वो ही नहीं प्रीति, प्रीति क्या है प्रार्थना है, फिर डूब जाना है मिल जाना वही प्रार्थना शब्द का जो फिर अर्थ लगाओ, मेरी समझ में तो यही उतर रहा। परशुराम जैसे आक्रामक व्यक्ति
प्रार्थना करे, क्योंकि अब प्रार्थना न करे तो भी आ जाएगी, क्योंकि अनुभूति के बाद उठेगा वो प्रार्थना ही होगी। छंद प्रबंध में बोलना वो तो रिहर्सल। कोई भी पक्षी ने आज तक स्टेज प्रोग्राम नहीं दिया, कोई रिहर्सल नहीं किया, क्योंकि अनुभूति के बाद कोहकार निकला है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, गोस्वामी जी ने वाल्मीकि को, विश्वामित्र जी ने कोकिल कहा। सच्ची प्रार्थना, सच्ची स्तुति जो कहो, एक अर्थ में जब अनुभव हो जाता है, फिर वो आंसू के रूप में हो सकती है, शब्द के रूप में हो सकती है, पुलक गात में हो सकती है, मौन में हो सकती है, एकाग्रता या ध्यान में हो सकती है, मगनता में हो सकती है। फिर कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं रहेगा। ब्रजवासियों के गोपियों को नहीं, लेकिन गोप बालकों को पता लग गया था कि आज कृष्ण का कोई दूत ब्रज आ रहा है, और गोपियां को तो बात पता लगा। मुझे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा, ये मेरा निज मत हो सकता है, मैं सब पर लाद नहीं सकता, लेकिन गोपियों में थोड़ा मान था, गोप में जरा भी मान नहीं था। गोपियों के मान के कारण तो कृष्ण आकर भी अदृश्य हो गया था, लेकिन उनके जो गोप सखा थे उनमें कोई मान नहीं बचा था। शायद थोड़ा मान करते थे, वो भी एक मित्र में जो थोड़ी नोक झोंक होती है वो ही था, बाकी मान शून्य हो गए। और जितना आदमी ज्यादा मान शून्य, पगत ध्वनि उसको ज्यादा सुनाई देती है कि कोई आ रहा है मेरे प्रीतम के देश से, कोई पाती आ रही है, कोई संदेश आ रहा है, कोई संबल आ रहा है, उसको उसकी उसकी पद ध्वनि तुरंत चाप ध्वनि पदचाप सुनाई देगा। भनक पड़ेगी कान। गोपियों को तो बाद में पता लगा, रथ देखा, कृष्ण वर्ण उद्धव को देखा, पोशाक भी करीब करीब ऐसा, ये सब बाद में पता लगा। श्री दामा को पहले पता लगा। यहां से कृष्ण का उद्धव को कहना मथुरा से कि तुम जाओ इन गोपियों को समझाओ, उसी क्षण यहां बातें उठने लगी कि कोई आज आने वाला है, कोई आएगा आज, प्रभु आएंगे, प्रभु नहीं आएगा तो उनका कोई प्यारा आएगा। और महबूब की हर चीज महबूब होती है, प्रीतम की भेजी हर पाती शास्त्र होती है। राम की पाती आई तो अयोध्या में लोग गले लगाते थे, माताएं एक दूसरे से पाती लेकर गले से लगाते थे, मित्र लोग गले से लगाते, प्रीतम की पाती है। अरे गुहराज भी पाती लिखता रहता था, चित्रकूट की दिन दिन की खबर लेकर के मां कौशल्या को खबर भेजता था, कोई भी लाकर पाती देता। आज रघुनाथ जी ने चित्रकूट में ऐसा किया और अयोध्या पाती पढ़कर रोती थी, क्योंकि प्रीतम की खबर आई है, ये प्रेम संदेश है। ब्रज सखाओं को पहले खबर मिली, फिर थोड़ी नोकझोंक जरूर है, लेकिन जब खबर पहले मिली है तो मेरी व्यास गादी को कहने दो, गोपी के भाव शिरमोर है, लेकिन गोप भाव कभी कभी ओवरटेक कर लेता है, कभी कभी आगे निकला है। श्री दामा, सुबल आदि आदि सब, उपेंद्र आदि आदि जितने सखा है ना, वो पहले से ही पहुंच गए कि इसी रास्ते से कोई आने वाला है। उसमें श्री दामा की बात है, श्री दामा ने कहा कि मैं रुठ जाऊंगा, वो आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, या तो कोई भी आए, लेकिन वो उनकी खुशबू आ रही है, कोई कुछ हो रहा है, मैं छिप जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि परसों आने का कहकर बरसों लगा दिए,
कहा था परसों आएगा, पर न जाने मार डाले। अग्नि से कूड़ा करकट मिट जाता है, जन्म जन्म के संचित कर्म ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं, अथवा तो भक्ति मार्ग में विरहाग्नि में जल जाते हैं। दो आग उसमें जलाओ। तो कहते हैं हम नहीं मिलने जाएंगे, आए तो आए, हम नहीं मिलेंगे उसको, वो भूल गया है, हमारी झूठी छास पीता था, जब खाने का नहीं तो हमारे मुंह से छीन करके खा लेता था, जब पैर थक जाते थे तो कहता हमारे पैर दबा दो श्रीदामा, हमारी गाय बहुत दूर खेत में चली गई यमुना के तट पर, जाने भैया मैं बहुत पूरा दिन दौड़ा हूं, तो उनकी गायों को मैं वापस लाता था, भूल गया सब, हम नहीं जाएंगे उसके पास। सुबल समझा रहा, अरे भैया इसे जिद मत करो, कम से कम आ तो रहा है, उसको हमारी याद तो आई। बोले नहीं। फिर सखाओं ने कहा ठीक है तो बैठो छिप जाओ। बोले हम छिपे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, वो हमको खोजे। लेकिन जैसे रथ दिखाई दिया और उद्धव का रूप भी करीब करीब कृष्ण जैसा ही तो था, कथा कहती है कि जैसे जैसे रथ निकट आ रहा है, दूर से ऐसा आभास होने लगा कि लगता तो है हमारा गोविंद हमारा गोपाल ही लगता, जो रुठ कर बैठ गया था हम नहीं मिलने जाएंगे, वो एकदम दौड़ जाता है। सुबल ने पूछा क्यों? बोले नहीं नहीं रुठना तो है, लेकिन पहला आए ना तो एक बार उसको गले लगा लूं फिर रुठ जाऊं, एक बार पैर छू लूं गले लगा लूं जो हमसे हो। फिर सूत्र निकला, यहां कोई नियम नहीं रहता, न रुठने वालों का नियम रहता है न रीझने वालों का कोई नियम रहता है, ये मार्ग ही ऐसा है। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन, कोई प्रतिबंध नहीं बात करता, फिर जो घटना घटेगी सब प्रार्थना है, रुठो तो भी प्रार्थना है रीझो तो भी प्रार्थना है, पूर्व अनुभूति हो। अनुभूति वाला जो बोलेगा वो शास्त्र होगा, और बिना अनुभूति जो भी बोला जाए वो साहित्य होगा, शास्त्र नहीं होगा। बिना अनुभूति जो बोले जो बोला जाए वो कविता हो सकती है, अनुभूति से जो भी बोला जाए वो कविता नहीं रुचा हो सकती है। जयति वचन रचना अति जय रघुवंश बन जी बन लोग मुझे भी कहते बापू हम स्तुति करते हैं पाठ करते हैं लेकिन इतना आनंद नहीं आता। अनुभूति होने के बाद जाने बिनु न हो ही पड़ती थी। एक बार पहचान हो जाए फिर की प्रीति कुछ और ही होती है, कुछ शिखर की होती है। तो महाराज परशुराम बाबा ने जब रघुनाथ जी के प्रभाव को जाना तब कुछ और ही घटना घट गई। तो राम जी में प्रताप तो है लेकिन प्रताड़ित करने वाला प्रताप नहीं, भाव से भर देने वाला प्रताप। कोई बहुत बड़े महापुरुष हो उनके प्रताप में आप निकट न जा सको बोल न पाओ, लेकिन वो जब आपको भाव से चंद्रमा की तरह आपको बुला करके आपसे खबर पूछ ले तो एक दूसरी ही घटना घट जाती है। राम में दोनों है, वो सूर्य भी है चंद्र भी है।
दोनों साथ। वही बोली लक्ष्मण जी बोलते हैं, वही बोली थोड़ी फेरफार के साथ राम जी बोलते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली शब्द वही, कोई फर्क नहीं, थोड़ा फेरफार, लेकिन जल संवचन बोलते हैं लखन जी कुछ ऐसे बोलते। तो प्रताप बल और रोष, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे परिवार के लोग गलत ही काम किया करे तो तुमको रोष की थोड़ी जरूरत, तुम थोड़ा नियंत्रण करो। मुझे कल भी रात को पूछा गया, बाबू आप कहते रहते हैं कि आप सहन करो सहन करो, लेकिन कितनी हद तक हम सहन करें, कोई सीमा तो होनी चाहिए। कितना सहन करें? मैं हर वक्त कहता हूं सहन करने की संसार में कली में मर्यादा है, 3 बार सहन करो। 3 बार के बाद बोले राम सकोपतम भगवान विदुषमान, इसका मतलब मारने के लिए नहीं, उसका कल्याण करने के लिए। 3 बार तो साधना, 1 भी बार सहन न करे वो विषयी, 3 बार सहन करे वो साधक, और 300 बार सहन करे वो सिद्ध। लेकिन उसमें तो हम नहीं आ सकते, 300 बार नहीं, तीनों काल में सहन करे वो शुद्ध, वो सिद्ध से भी आगे। 1 भी बार सहन न करे वो विषय है, जरा भी सहन न, थोड़ा भी कहा और बिल्कुल सहनशीलता जिसकी खलास, 3 बार सहन कर ले वो साधक है, 3 बार मेहनत कर लो, 4थी बार फिर तुम उसके कल्याण के लिए विवेक से न्यायिक बात करो, छूट है। लेकिन 300 बार सहन करे वो सिद्ध है। लेकिन तीनों काल में चतुर्युग में सहन ही करता रहे वो सिद्ध भी नहीं, वो शुद्ध है। इसलिए गुजराती का ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए वो बोलता है। एक महिला अपने गुरु के बारे में बोलती है कि हे गुरुदेव, हमने आपकी सेवा की, हमने आपको आपको सेये, क्यों सेये हूं मैं तो ए जानी में तमने से आपको सिद्ध समझ कर नहीं, आप सिद्ध तो हैं, लेकिन सिद्ध समझ कर मैंने आपको नहीं से ये, आपको शुद्ध जाना है। अनुभव में खरा उतरा कि तुम नकशिक शुद्ध हो, इस शुद्धता को देखकर हमने तेरे चरण पकड़े। इसी अर्थ में समझो विषयी है, ये संसारी है, संसार में पूरा तरबोल रसबोल है, सराबोर है, इससे क्या शिकायत? जो एक बार में उलझ जाए उनके सामने क्या शिकायत करे, क्योंकि डूबा है। 3 बार सहलो वो साधक है,
300 बार सहले वो सिद्ध है और निरंतर सहले वो शुद्ध है। गोस्वामी जी उसी को संत कहते हैं। संत विशुद्ध मिलही परितेही, ऐसा परिशुद्ध विशुद्ध संत, लेकिन 300 बार वाली तीनों काल वाली बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर प्रदेश है, लेकिन कम से कम कथा सुनते सुनते 3 बार तो सुनो प्रमाणिकता के साथ। हाँ, इसका मतलब नहीं कि चौथी बार तुम राह देखो, चौथी बार होगा देना फिर देखो, ऐसा नहीं। यदि 3 बार में नहीं हुआ और फिर भी चौथी बार हुआ तो फिर विवेक से सामने वाले के कल्याण के लिए भी तुम बोलो, ये साधक का लक्षण है। राम जी ने बिल्कुल, राम तो शुद्ध ब्रह्म है, परम शुद्ध ब्रह्म है, लेकिन साधक की भूमिका पर उतर आए हैं। बिनयन मानत जल धीजल, भगवान साधक की भूमिका पर हमको सिखाने के लिए हमारे साथ आ गए। अवतरण का अर्थ तो यही है, ऊपर से आना। भगवान राम और जानकी ने समझौता कर लिया था अवतार लेने से पहले, समझौता दोनों ने कर लिया कि दुनिया में लोग क्या कहते, भाई हमारे ऊपर आप है नीचे धरती, लोग कहते ना बहुत दुखी हो जाते, भाई क्या करे, ऊपर आसमां है नीचे धरती, बस दुखी। इसलिए दोनों ने करुणा से निर्णय किया कि लोगों के लिए ऊपर आप हो और नीचे धरती है ना। तो जानकी ने कहा मैं धरती से निकलू, तुम आकाश से आओ ताकि दुनिया का कल्याण हो जाए, मैं निकलू जमीन से ताकि सबकी धारक बन जाओ, धात्री बन जाओ, और आप आओ ऊपर से अवतार के रूप में, ताकि हमारा फिर आश्रय करने वाला कभी ये कह न पाए कि हमारे कोई आश्रय नहीं, हमारी धारक माँ है और हमारा छत्र मेरा ठाकुर है। ये भाव तो प्रताप बल और रोष राम स्वभाव से हो तो भौतिक जगत में जरूरी है। थोड़ा रोष, बच्चे चुक जाएंगे, बच्चों पर थोड़ा काबू रखो, वरना ऐसी ही सीरियल देखते रहेंगे। टीवी से जितना कचरा डाला जा रहा है तुम्हारे बाल मानस में, हिंदुस्तान के बच्चों में, उससे तुम रोको, थोड़ा डराओ कि नहीं खबरदार ये मत देखो, अच्छे प्रोग्राम देखो, वहां तुम्हारा रोष थोड़ा जरूरी है। तुम बाप हो तो तुम्हारा थोड़ा प्रताप कि तुम घर में आओ और सब शिस्त में आ जाए, ये थोड़ा जरूरी है, लेकिन उद्देश्य अच्छा हो और तुम्हारा बल जरूरी है। राष्ट्र को बल की जरूरत है, राष्ट्र को प्रताप की जरूरत है, राष्ट्र को थोड़े रोष की भी जरूरत है, वरना फिर आदमी गुलाम हो सकता है। थोड़ा रोष, कहीं भी गड़बड़ हो तो थोड़ी आंख थोड़ी वो होनी चाहिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जरूरी है। तो परशुराम जी का रोष बल और प्रताप और राम जी का रोष बल और प्रताप दोनों उद्देश्य के रूप में भिन्न है। परशुराम महाराज बस ये की बात, बस मेरा प्रताप दियो, उसका प्रताप क्या करेगा, उसका बल किस रूप में दिखाई दिया, उसके रोष ने क्या किया एक अर्थ में। इसलिए वो कहते हैं ये बालक है, ये बाबा है, उसके सामने मत बोलो ऐसी बातें करके, मत उसको समझाओ। विश्वामित्र यदि तू बचाना चाहते हो तुम उसको, तो मेरा प्रताप बल और रोष कह करके उसको समझाने की चेष्टा करो। मेरा बल प्रताप और रोष कहकर उसको बचाओ, उसको रोको और आगे अब देखो बातचीत चल रही है विश्वामित्र के साथ। परशुराम बाबा विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में इस बालक को समझो। तुरंत लक्ष्मण जी बीच में कूद पड़े, वहां नहीं कूदना चाहिए था, लेकिन लखन जी वहां दूर बल प्रधान है लखन, और उसका उसका कारण भी है कि राम की ध्वजा को कहीं वो नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो दंड खड़ा हो जाता है बार बार,
लेकिन यहां बीच में नहीं आना चाहिए था। एकदम बिना पूछे बीच में बोल गए। परशुराम महाराज को कौशिक बाबा क्या जवाब दे उसकी भी प्रतीक्षा लक्ष्मण जी नहीं कर पाए, वरना जवाब दे तो बाबा तुरंत बीच में आ गए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। एकदम लखन जी बीच में आ गए और कहा, लखन जी ने कहा कि महाराज आपका सुयश आपकी उपस्थिति में भला कौन कह सकेगा, जो जितना भी कहेगा कम पड़ेगा आपको, आपकी हाजिरी, आप न होते तो थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाए तो भी चल जाता, लेकिन आप हाजिर हैं और आप कैसे हम जान गए आपको, तो आपकी उपस्थिति में आपका सुयश भला कौन वर्णन कर सकता है, आपने बहुत प्रकार से बहुत बार कह दिया। आगे बोले अपने अपने ही मुख से अनेक बार और अनेक प्रकार से आपकी कथा हमको सुनाई है, हम ऐसे अनेक प्रकार से और अनेक रीत से आपने हमारे सामने अपने यश सुयश की गाथा कह दी, फिर भी संतोष न हो, इतना कहने पर भी आपको तसल्ली न हुई हो तो थोड़ा और कह दीजिए। नहीं संतोष इतनी बार आपने इस प्रकार हमारे सामने आपकी गाथा आपकी आत्म प्रशंसा हमारे सामने आपने कई बार रखी है, फिर भी यदि संतोष ना हो तो थोड़ा और कह दीजिए। आपके क्रोध को दबा करके आप दुखी मत होइए बाबा, आप कुछ थोड़ा और बोल दीजिए। अब विश्वामित्र महाराज को कहा कि मेरा बल प्रताप और रोष कहो, लक्ष्मण जी बीच में बोल गए चलो, लेकिन विश्वामित्र जी उसको रोक सकते थे कि भाई बस लखन अब तुम चुप रहे, मुझे पूछा है मैं कहूं। विश्वामित्र जी क्यों नहीं बोले, क्योंकि विश्वामित्र जी ने सोचा कि जो भी कहूंगा ना वो अजस होगा अपयश होगा सुयश नहीं होगा, उसके मुनिपने का मैं वर्णन करूंगा तो हथियार रखते हैं तो मुनिपने में हथियार रखना वो मुनिपने का दोष अपजस माना जाएगा, और उसके वीरता का वर्णन करूंगा तो है तो ब्राह्मण, तो वीरता का वर्णन करने से ब्राह्मण है तो उसको भी दोष उसका दोष लगेगा, इसलिए अपने मुंह से कहना ठीक नहीं, बाबा खुद बोलते रहे वो ठीक है, क्योंकि दोनों प्रकार से अपजस होगा सुयस तो होगा ही नहीं, तो बाबा आपको संतोष न हो तो आप ही बता दीजिए। अथवा तो लक्ष्मण जी चुटकी भर रहे कि महाराज छोटे आदमी में भी थोड़ी लज्जा होती है कि अपने मुंह से अपनी बात न करे, अपनी बात आप कहते मेरा सुयस सुना दो, मैं कहता हूं आपका सुयस बार बार आपने कहा लेकिन आप सुनिए महाराज ये सुयस नहीं है, जल्पना मात्र है और जल्पना से तो सुयस का नाश होता है, रावण को रघुनाथ जी ने यही कहा था कि जन जल्पना करी सुजस नाश, रावण तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई बंद कर तेरा यश खत्म होता जा रहा है, महाराज अपने मुंह से अपात्रों के आगे जहां देखो अपनी बड़ाई करते रहो, हम बलवान हम धनवान हमें उसको शास्त्रों ने आत्महत्या कही है, आप आत्महत्या करने जा रहे हैं महाराज, आपने नक्षत्री तो बहुत बार कर दी लेकिन अब फरसा तुम्हारे खुद पर पड़ रहा है, आपके ऊपर ये फरसा लग रहा है,
तो संतोष न हो तो और कुछ बार बोल दो आप, क्योंकि रिस्क को रोको मत, क्योंकि रिस्क को रोकने से और दुख होता है। बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र फिर, रिस्क को जितना दबाओ इतना दुख ज्यादा होगा, इसलिए निकाल दो, ध्यान देना। जनी रिस रो दुख, महाराज रिस को मत रोको, निकाल दो, बमन कर दो। व्यासगाली भी कहेगी आप में क्रोध आ जाए तो निकाल दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद, बस इतना ही करो, थोड़ी देर के बाद। एक गुरु मरने जा रहा था तो उनका एक प्रधान पट शिष्य खड़ा था, शायद मैंने कहा आपको कभी, तो गुरु ने शिष्य ने सोचा कि बाबा अंत समय कुछ महत्व की बात कह दे, कभी बोलते नहीं कुछ कह दे, क्योंकि उनका संग ही उपदेश था, उनका संग ही पर्याप्त था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जीवन भर नहीं बोले थे। तो शिष्य अंतिम समय में बहुत एकाग्रता से खड़ा है कि शायद कुछ निकल जाए मुंह से, तब उस संत ने कहा कि बेटे मेरे दादा गुरु ने हमको एक बात कही थी, वो मुझे तुझे संपदा में देना है, एक मंत्र कहा था मेरे दादा गुरु ने, वो मैं तुमको कहूं। बहुत एकाग्र हो गए, क्या बात हो, तो कहा कि इतना ही मुझे कहना है कि मैं तो चला जाऊंगा, तुम एक काम करना, तुझको किसी पर रोष आए ना तो 24 घंटे के बाद निकालना, बस यदि मेरा वारसदार है तो ये मंत्र ले। इतना कहकर बाबा समाधिस्थ हो गए, और उसने गुरु दादा ने दिया था जो हो, लेकिन हम सबको लेने जैसा मंत्र है, रोको मत लेकिन 24 घंटे रोको। उसने 24 घंटा कहा, मैं एक घंटा कहूं, एक घंटा रोको, कलयुग है ना, प्रमोशन दिया जा रहा है, बढ़ती भी रहा है अथवा तो राहतें भी जा रही है, एक घंटा रोको, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो तुमको बकना है बको, 24 घंटे के बाद क्रोध रहता है, किसी का पानी पानी हो जाता है, तब तो अपनी भूल समझ में, अरे एक घंटा भी रोक लो तो भी, बहुत दबाना नहीं है, मौका देख करके फिर निकाल दो, निकालना तो पड़ेगा। और मैं तो आपको एक और बात भी कहूंगा कि परिवार के सदस्य पर क्रोध आया तो रोकने से दुख होगा, उसको आप 24 घंटे नहीं रोक पाओ, एक घंटे भी न रोक पाओ, तो एक काम करो, जो क्रोध आया है उसको दबाओ मत, निकाल दो, लेकिन परिवार के सदस्यों के ऊपर नहीं, तुम्हारे सद्गुरु के ऊपर निकाल दो, क्योंकि वहां वो कचरा भी खाद बन जाएगा, वहां एक गलत चीज भी अच्छी फसल पका देगी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे परिवार के लोग तो सह नहीं पाएंगे, वो तो इतने कमजोर हैं, वो उसकी उसके लिए शिकायत भी क्या करें, अच्छा तो ठाकुर पर लगा दो क्रोध कि हे गोविंद मैं इनसे क्या क्रोध करूं, ये तूने ऐसा हमको दिया संसार कि हम क्या करें, इनको मैं क्या कहूं, मुझे मुझे परेशान कर दे, मैं इन पर क्या करूं, उनके सामने क्रोध, दिशा ठीक मिल जाएगी, कहो उनको। द्रौपदी ने यही मार्ग लिया था, इन इन किन किन के दाढ़ियों में हाथ रख के किसको किसको कहे, कहना है तो मैं तुझको कहूं, मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाए था, जो चुटकियां लेनी थी, जो शिकायतें करनी थी, जो ताने मारने थे, द्रौपदी ने केवल कृष्ण के ऊपर वर्षा की है, तो हार गए, मुझे एक चीज की तरह मुझे हार गए, इन कमजोरों के सामने क्या दोष करे, इनसे सामने क्या शिकायत करे, मैं जो कहूं तुझे कहूं। आए
स्वामी जी के उस अवस्था में हाथ की पीड़ा ने बहुत दुखी कर दिया। गोस्वामी जी के जीवन से आप परिचित हैं, बाहु पीड़ा इतनी प्रबल हो गई। और सवाल यह होता है कि इतने बड़े संत को बाहु पीड़ा क्यों हुई? ये जो ये वृंदावन के बाबा हरिदास जी हुए ना, उसको अकबर मिलने गया था, इतिहास है ना ये तो। हरिदास जी बहुत ताजे तरोजे हैं, बिल्कुल नए लगते हैं हरिदास जी। अकबर के समय की बात, कितने 400 साल के आसपास घटना घटी है। बहुत बुखार आ गया, कांप रहे। उसी समय आश्रम में आकर किसी ने कहा कि दिल्ली से अकबर मिलने आ रहा है। और बाबा उसी समय आप गुदड़ी में कांपते रहोगे तो ठीक नहीं लगा, जरा भद्दा नहीं लगेगा, अच्छा वो भद्र नहीं लगेगा। तो बोले क्या करे, बोले ऐसे ही बेचारा आ रहा है, सम्राट है महाराज, तो फिर आप तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले लेकिन आप तो कांपे जा रहे हैं। बोले चिंता मत करो, बनी घटना। बोले आने से पहले 5-2 मिनट मुझे बता देना कि आ गया, फिर मैं आऊंगा बाहर, या तो अंदर बुला लूंगा। बोले ठीक। जब अकबर आया, 2 मिनट की बार थी, उसी समय इतिहास कहता है वो अपनी गुदड़ी निकाल करके एक कुटिया पर रख दिया और बुखार को कहा कि तुम गुदड़ी में रहो जब तक मुलाकात पूरी हो जाए। ये हिंदुस्तान है बाप, ये अध्यात्म भूमि है, यहां क्या नहीं होता, ये भारत है। और ये दंत कथा नहीं, संत कथा। और वहां गुदड़ी कांप रही है क्योंकि भयंकर बुखार था, कांप रही है गुदड़ी खिटी पर। अकबर आया, अंदर ही बुला लिया, बातचीत हुई, प्रणाम किया, ये और अकबर के अचानक दृष्टि गई कि गुदड़ी कांप रही है। तो पूछा, बाबा ये क्या है? आप, अरे कुछ नहीं, गुदड़ी को बुखार आया। अरे महाराज, आप ये हिंदुस्तान के महात्मा लोग बड़े विचित्र है, गुदड़ी को बुखार कैसे? बोले था तो मुझे, लेकिन तेरे से मुलाकात करनी थी तो शिष्य लोग का जरा ठीक नहीं लगेगा, आप कांपते हो और सम्राट आए तो सोचा कि भाई तुमको कोई ऐसा लगे कि ये बाबा लोग ऐसे, इसलिए थोड़ी देर बुखार उसको दे दिया, तू जाएगा तो फिर ले लूंगा। बड़ा बुद्धिमान था अकबर, चतुर था, बुद्धिमान से भी ज्यादा चतुर था। वो हिंदुस्तान को कैसे भी कब्जे में रखने के लिए उसने दीन इलाही नाम का धर्म निर्माण किया था, बड़ा चतुर था आदमी। क्षत्रियों की राजकन्याओं से ब्याहता था, कैसे भी यहां वो करना चाहता था वो, तो बड़ा तर्क कर दिया कि आप बुखार को गुदड़ी को दे सकते हैं तो बुखार को आने से ही मना नहीं कर सकते कि बुखार आपके पास आए नहीं। बोले भाई कोई न रखे उसको संत रखता है, ये बेचारा घूम रहा था असत्ता से, कोई रखने वाला शरीर नहीं मिला तो मुझे लगा कि कुतरिया कुतिया के इधर उधर घूमता कि चलो बेटे आ जाओ तुम थोड़ी देर, तुम भी आनंद कर, तो सत्संग करने आया है, मुझे परेशान करने नहीं आया, जिसका कोई नहीं उसके पास वो साधु चाहते तो कर सकता है कि बुखार ही ना आए, लेकिन रोग तो शंकर के गण है, शास्त्रों में क्या है, जितने रोग हैं भगवान के गण हैं, और गणों को साधु संतों के पास अच्छा रहता है। इसलिए किसी को कैंसर हुआ, किसी को कुछ हुआ, रमन को लग गया, रामकृष्ण देव को परेशान हुए, अरे महावीर स्वामी भी तकलीफ से, पेट के दर्द से तकलीफ में आ गए, बुद्ध को भी कोई ना कोई बीमारी लगी, क्यों? चाहते तो ये कर सकते। तो गोस्वामी जी को बाहु पीड़ा ने बहुत दुख दिया। फिर आप सब जानते हनुमान जी, तुलसीदास जी ने कितनी हनुमान जी से शिकायतें की हैं, ताना मारे हैं, महाराज आप मेरी बाहु पीड़ा नहीं मिटा सकते, और फिर पूरा हनुमान बाहु लिख दिया, सिंधु तरन सुय सोच हरन रविबाल बरन तनु, पूरा जो लिख दिया है अद्भुत लिख दिया। शिकायत करो लेकिन हरी से करो, ये दुनिया वालों से क्यों डराते हो, ए बीबी बच्चों पर क्यों अपनी धाक जमाता हो, तुम्हारी मनमानी न हुई तो ये रोष उतारो हरि के सामने, जिसके कंधे मजबूत हो उनके पर सब सामान डाल दो। मुरारी बोलो क्या जाने लीला है,
रोकने से, क्रोध को रोकने से आपको बहुत दुख हो रहा है और परशुराम महाराज का दुख बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारा जो हो कह दीजिए, संतोष ना हो तो और कह दीजिए, और बात कर दीजिए और आगे बोले। लक्ष्मण जी ने तीन बात कही, महाराज आप वीर व्रति हैं, आप धीर हैं और आप अक्षोभ हैं। आप में क्षुब्धता नहीं है, क्षोभ के विहीन जीवन ये बड़ा गुण है। वाल्मीकि जी ने कहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, वहां क्षोभ की भी गिनती लगा दी। शूरवीर के लक्षण है, जो वीर है, जिसने वीरता का व्रत लिया है, जैसे मौन व्रत वैसे वीर व्रत, वीरता का व्रत लिया है, उसको दो नियम लागू होते हैं, धैर्य धीरज होनी चाहिए और जरा भी क्षुभित न हो जाए, हिल न जाए, क्षुभित न हो जाए, जरा भी क्षोभ न हो उसको, किसी भी परिस्थिति में वो अक्षोभ रहे। तो महाराज आप तो वीर व्रती हैं, आप धैर्यवान हैं और आपको अक्षोभ रहना चाहिए, लेकिन चुटकी ले रहे हैं कि शायद आपने तीनों गवा दी। धैर्य होते ना, अक्षुब्धता होती ना, तो आप गालियां ना बोलते, आप गाली दे रहे। और परशुराम जी बिगड़े, मैंने कब गाली दी? बोले आपने कहा कौशिक सुनो मन भैया बालक, क्या मैं बहरा हूं? कहते हैं बाबा के सामने, और मैं नहीं समझता कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। मन भैया बालक मेरे सामने, ये सब मेरे लिए गाली है। व्यक्ति में जो न हो उसी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना वो हर गाली है। व्यक्ति में कुछ महानता नहीं, उसके लिए महानता तुम कहो वो भी गाली है, और व्यक्ति में कुछ नहीं और तुम दूसरी वस्तु कहो तो भी गाली। गाली का ही अर्थ है, गाली का अर्थ निंदा ही नहीं, स्तुति भी गाली है। इसलिए तो गीता को कहना पड़ा तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये लोके नचित भक्ति माने प्रियो। निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पर कंजे। आप गाली दे रहे, आठ आठ गाली आपने मुझे दी है एक अर्थ में, मैं मंद नहीं हूं। दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने, लेकिन परशुराम जी जिस अर्थ में बोले उसी का ये जवाब है कि मैं जो नहीं हूं ऐसी बात आप रोष के कारण कर रहे हैं, मेरे लिए गाली। और महाराज गाली देना वीर की शोभा नहीं, ये तो कादर का स्वभाव है, ये तो कायर की बोली है। गाली बकने लगे शूरवीर, ये कोई आपको शोभा देता है? एक तो आप बाबा है, महात्मा के मुख में गाली नहीं होनी चाहिए। और यदि आप अपने आप को बड़े क्षत्रिय कुल विरोधी मानते हैं, शूरवीर पेश करते हैं, तो भी आपके मुख में गालियां नहीं। रावण बकबक बोलने लगता है तब उसको बात पड़ी, क्योंकि वीरों के मुंह में गालियां शोभित नहीं लगती। और आगे बहुत सुंदर बात कहे महाराज। शूरवीर को चाहिए शूर करनी करे, वो अपने को मैं वीर हूं, मैं वीर। एक राजा हो उसको फिर कहना नहीं पड़ता कि मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट। तू राजा हो उसको कहना नहीं पड़ेगा। महाराज शूरवीर तो वो है जो समर करनी करे, अपने आप को बात आत्म
प्रशंसा न करें, अपने आप की घोषणा न करता, फिर आप तो अपनी बात करते ही जा रहे हैं। शूरवीर को चाहिए समर की करनी करें। आप महाराज साधु वेश में इसलिए आपके सामने ये सब बोलना पड़ता है, बाकी सच्चे शूरवीर होते तो आ जाइए मैदान में। शूरवीर को चाहिए करनी करके दिखा दे, अपने आप को जनाने की चेष्टा न करे। विद्यमान दुश्मन को वैरी को विद्यमान वर्तमान देख करके कायर ही प्रलाप करने लगते हैं। शूरवीर नहीं करते, शूरवीर तो करनी करते दिखाते हैं। ये तो कायर जैसा आप काम कर रहे हैं। हमने तो सोचा था आपके बारे में वीरवृति है, धीर है, अक्षोभ है, लेकिन महाराज कुछ नहीं दिखा। बहुत से गुण आपने गंवा दिए महाराज क्रोध के कारण। कायर कायर आदमी ऐसा कहता, वो फिर बहाने बनाएंगे, वो फिर न जाने कितने कितने विकल्प खड़े करेंगे। बाकी शूरवीर तो करनी करके दिखाई देगा, करनी से बताएगा। तो श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने हम सबके मनोविज्ञान को खोल रहे हैं, जिससे हमारे संघर्ष जीवन से कम हो और हम कुछ परम विश्राम की उपलब्धि की ओर अग्रसर हो, ऐसी बातें यहां रखी जा रही। इसी कथा का क्रम, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सान। भगवान राम के नाम की वंदना करते हुए कल चर्चा हुई थी कि नाम को गुप्त रूप से जपे, पुकार कर जपो, क्योंकि कीर्तन में तो पुकार कर ही जपना पड़ेगा। कीर्तन ये शुद्ध कथा है, ध्यान देना। हाँ, कथा ये शुद्ध कीर्तन है और कीर्तन शुद्ध कथा है, दोनों वस्तु समझ लेना। तुम यदि मौज में आ जाओ और कीर्तन करो तो समझना तुम कथा कर रहे हो, और तुम मस्ती में डूब करके कथा करो तो समझना कथा ही जप है, कथा ही कीर्तन है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। शुद्ध कीर्तन भगवत कथा है, शुद्ध कथा। शुद्ध कथा मानी कथा शुद्ध ही है, लेकिन कली के प्रभाव के कारण शुद्ध शब्द लगाना पड़ता है। शुद्ध कथा यानी निस्वार्थ भाव से, अकाम भाव से, जहां और कोई बात नहीं, शुद्ध कथा। स्वामी रामदास जी शिवाजी के गुरु, वो धर्मगुरु भी थे। राजमाता जी बैठ जाए भाई, वहां से कोई व्यवस्था रखो ना कि विनय से, किसी को वो भी न लगे, विनय से कहो कि यहां बैठ जाओ, सब काम मुझे करने पड़ते हैं। और आप कह भी सकते हैं कि आपने को गादी पर बिठाया तो करो भोगो। यहां चार्ज चुकाए बिना कुछ नहीं मिलता, बहुत देना पड़ता। क्या कह रहा था भाई? स्वामी रामदास जी शिवाजी के गुरु, वो राजगुरु भी थे और धर्मगुरु भी थे। ये जो कुरुक्षेत्र है ना, वो धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है और गुरु क्षेत्र भी है। आज अखबार में मैं पढ़ता था, किसी ने लिखा कर्म, एक कर्म भूमि है और गुरु भूमि है, ऐसा लिखा था। अच्छा लिखा, मैं ऊपर हेडलाइन पढ़ रहा था तो फिर मुझे विचार आ रहा था, आज सुबह में पढ़ा तो, कि कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है और गुरु क्षेत्र भी है। कृष्ण ने गुरु ज्ञान तो यहां ही दिया है ना, जिसकी बोलबाला है विश्व में, डंका बज गया भगवत गीता, वो तो इस हरियाणा की भूमि की है, इसलिए गुरु क्षेत्र भी है। तो कहने का मेरा मतलब, राजगुरु भी थे, धर्मगुरु भी थे। एक दिन उसको लोग हनुमान जी के अवतार मानते हैं, महाराष्ट्र में रामदास जी को हनुमान जी का अवतार मानते हैं, ऐसा है। उसको हनुमान जी के दर्शन हुए थे, कहते हैं उसकी कथा में हनुमान जी
इसको अनुभव कराते थे। तो कई बार हुआ था ऐसा। एक बार रामदास जी ने हनुमान जी को कहा कि बाबा मुझे तो दर्शन हुए लेकिन लोग कहते हैं कि रामदास झूठा है, धोखा है, वो दर्शन करे हमको हो तो पता लगे। तो हनुमान जी को कहा महाराज मैं कथा करूं तब आप एक बार प्रकट हो जाओ ना तो हजारों श्रोता को दर्शन हो जाए और मुझ पर जो ये इल्जाम है निकल जाए। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये व्यक्तिगत बात है, ये सब नहीं झेल पाएंगे। बोले नहीं बाबा इतना तुम मेरा रखो। फिर हनुमान जी ने शर्त लगाई कि तू शुद्ध कथा करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो बोले शुद्ध कथा मानी? बोले शुद्ध कथा तुम करो बस तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो मैं जाहिरात कर सकता हूं कि इस बार की कथा में हनुमान जी प्रकट हो? बोले करो। हनुमान जी इतना कहकर चले गए और स्वामी रामदास जी ने हुक्म कर दिया कि भाई फला गांव में कथा होगी और हनुमान जी महाराज प्रकट होंगे, लाइट की व्यवस्था हो गई सब, उस समय में जो जो होता होगा वो सब किया। और फिर हनुमान जी प्रकट होने वाले हैं वो सुन करके तो कुतर्क वाले भी आ गए, गृहकार नाना जंजाला वाले भी आ गए, जड़ता जाड़ विषम उड़ाए भी आ गए, सब आ गए, बड़ा मेला लग गया। और कथा में किसी को रस नहीं था कब बाबा प्रकट हो जाए। ये वो हनुमान थोड़ा सस्ता हो जाए। अब इतने लोग एकत्रित हुए और बाबा ने वचन दिया तो रामदास महाराज भी इतने भाव में तो मंगलाचरण में कीर्तन कराया। तो कीर्तन में इतने मस्त हो गए तो कीर्तन ही चला, इतिहास है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतना कीर्तन तो उठ जाते हैं, नाचते हैं बाबा अश्व बिंदु। लोग आए थे कि ये कब कथा करेगा और कब हनुमान आएगा, ये क्या, ये तो मजाक कर रहा है, ये बस नाचता गाता। तो कुछ लोग तो उठ गए कि मंदिर में दर्शन कर लेंगे, चलो जाए। तो कुछ लोग उठ गए और बाबा को ऐसी नाम की चढ़ी कि क्या पूछे, बस कभी खड़े हुए कभी ये कभी, बस भाव में कीर्तन, कथा शुरू ही नहीं हुई। तो एक दो घंटे धीरे जवान कुछ थे तो बैठे, फिर लगा कि अब चलो उठो, वो भी गए। वैसे 5-6 घंटे में करीब करीब पूरा पंडाल खाली हो गया। दरिया जो बिछाई थी उसके मालिक रहे, जिस पर बाबा, और बाबा भी तो सब दरिया पर थोड़े लेकिन कीर्तन में कभी उस बाजू जाते थे, तो जो बिछाया था वो लोग सोचे कि ये बाबा यहाँ से हटे तो फिर उसको उठा करके हम भी जाएं। इसमें बाबा नाचने लगे, उधर जाए तो इधर वाली दरिया उठा ले, उधर जाए तो वहां की, और फिर 2-3 घंटे के बाद सब ले गए और बाबा केवल नाचते रहे। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे भाई 10 में से कोई एक पहुंचता है, 10-10 नहीं पहुंचता। हनुमान जी प्रकट हो गए और आलिंगन लगा लिया रामदास जी को। तो रामदास जी को आल तो बाबा, अरे बाबा बहुत कृपा की आपने सभा को दर्शन दिया। बोले कहाँ की सभा, कहाँ सभा है? तो बोले इतने लोग आए थे, कौन है? है तो नहीं, मैं तो आया, कोई नहीं है। तो बोले बाबा सबको दर्शन देना था और आप तो बोले मैं तो प्रकट हो गया वादा के मुताबिक, लेकिन वो रहे नहीं, प्रतीक्षा नहीं कर पाए, हम क्या करें। तो बोले आप प्रकट हो? बोले मेरा वचन था कि जहां शुद्ध कथा होती है वहां मैं प्रकट होता। तो कीर्तन शुद्ध कथा है, शुद्ध कथा कीर्तन ही है, कीर्तन ही कथा है, कथा ही कीर्तन है, ये सिद्धांत वहां से मजबूत होता है। तो नाम को गुप्त रखो लेकिन कीर्तन के समय नाम को जाहिर करो, उसी समय भाव को गुप्त। घना खोटा खोटा नाचे से काई नहीं, अजी तो हम भूपाली हो जाता बता नाटक से, तुमको मस्ती आए और नाचो तो ठीक है, घना तो कथा अमलता तो राहत जो है क्या है कीर्तन आ नहीं, इसमें भी भाव होगा ऐसी कोई बात, लेकिन कहीं को तो इतनी तो आंख है मैं पकड़ लेता हूं। भाव को रखो, जब रह ना पाओ तब बात हो रहे कि कारण। फिर भी ठीक है चलो,
कई लोग तो कहते हैं बाबू आपने सबको कह रखा है कि जब कीर्तन कराऊं तब नाचना, अरे कई लोग तो ऐसा ही सोचते, लेकिन जो भाव से जो रह नहीं पाते वो तो एक मस्ती है भाई, उसमें तो कोई मैं सवाल, उसमें तो सवाल ही नहीं। मीरा नाची इसलिए हरि मिला ऐसा नहीं, उसको हरि मिल गया था इसलिए नाची है। कोई नाच नहीं तो सबको नाचने वालों को मिल जाना चाहिए। कई लोग कथक कर रहे हैं, कई भरतनाट्यम, कोई कई करते हैं, नाचने वालों को हरि नहीं मिलता। जो हरि जिसको मिल जाता है वो नाचे बिना रह नहीं सकता। मीरा गाई इसलिए कृष्ण मिला मत समझना, क्योंकि हरि मिल गया इसलिए मीरा ने गाया है। मीरा के सामने आज कई गायिका है उसको गाओ तो मीरा फेल हो जाएगी, इतना अच्छा गाएगी लोग कहीं, लेकिन उसको हरि नहीं मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। गाने से हरि नहीं मिलता, हरि मिलने से गाना शुरू हो जाता है। नाचने से हरि नहीं मिलता, जिसको हरि मिल जाता है उनके पैरों में घुंघरू बंध ही जाते हैं। बांध कर उच्चारण आवश्यक बन जाता है, और ऐसा शुद्ध कीर्तन, ऐसा शुद्ध नर्तन, हरि का कोई स्पर्श हो गया उसकी प्रतीति है। तो गुप्त अकाम निरंतर ध्यान समेत सानन। तो हरि नाम के बारे में कुछ कल चर्चा हो रही थी, बाकी गोस्वामी जी ने तो कह दिया, भाई तुम्हारी अगर तू आलस, भाई तुम्हारी अगर आलस, नाम जप तू किसी दस, नाम जप तू स्वामी जी ने वर्णन किया नव दोहे में। कहां तक राम नाम की महिमा कहूं, क्योंकि स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, इतनी नाम की महिमा है, राम नाम की अद्भुत महिमा है। राम से बड़ी राम की कथा है, राम की कथा का सार जो सर्वश्रेष्ठ सार है वो राम है। रामायण के अंत में क्या, मैं उत्तरकांड की चर्चा करता हूं ना, कि उत्तरकांड के आरंभ में प्रारंभ हुआ है प्राकृत भाषा में, रहा एक दिन अवधि कर, अथवा तो रहा एक साथ में लो, अथवा तो केवल रहा शब्द ले लो, रहा उत्तरकांड जहां से शुरू होता है प्राकृत, और उत्तरकांड का अंत प्राकृत भाषा में, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, रहा राम। पूरे शास्त्र का सार
राम है, आदि और अंत दो। अथवा तो वर्णा नाम से लेकर संस्कृत से उठाओ रामचरित, तो पहला वर्ण और आखिर शब्द मानवाह। रामायण का एक ही वर्ण है और वो मानव, उसमें कोई वर्ण की चर्चा, केवल मानव को लक्ष्य में रखकर रामायण कही गई है, मानवता को ऊपर उठाने के लिए। फिर इस हस्तिपाद में सब पाद समा जाते हैं, लेकिन उसका एकमात्र वर्ण है मानव। पूरी गीता का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द ले लो, एक ही शब्द बन जाएगा और उसमें पूरी गीता। पहला शब्द गीता का क्या है? धर्म क्षेत्र। और अंतिम शब्द क्या है? मतिर मम। बस ये दो ले लो, पूरी गीता। धर्म क्षेत्र मतिर मम, हे भगवान धर्म क्षेत्र में मेरी बुद्धि कायम रहे, पूरी गीता हो गई। तो आदि अंत, तो राम ये सार है सभी शास्त्रों का, वेदों का। इसकी महिमा कहां तक गाए? खूब नाम जपो। नाम के 10 अपराध है चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं, लेकिन उसका ध्यान रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान न रहे तो कोई भी स्थिति से नाम जपो। उल्टा सुल्टा बोइए जो खेतों में बीज, बीज बो दो, नाम बो दो, बीज की खेती करो। खेत में बीज बो देने के बाद बाड़ करनी चाहिए, खाद डालना चाहिए और सिंचाई करनी चाहिए और कोई रक्षक होना चाहिए। नाम की खेती में मैं इतना ही कहता रहता हूं, आपको भी कहूं कि नाम बीज है। विनय पत्रिका में ऐसा लिखा है, बीज मंत्र जपिए राम नाम बीज है, शुद्ध बुद्ध बीज है, बीज मंत्र है, उसको बो दो राम राम राम। लेकिन उसके लिए खेत होना चाहिए, खेत के बिना बीज कहां बोओगे? तो खेत क्या है? अंतःकरण क्षेत्र है। फर्क इतना है कि जो किसान बोता है बीज वावणी में, उसमें डाल करके खेत में डालता है, वैसे मुख से हरि नाम उच्चारते उच्चारते अंतःकरण में डालो, ये बीज अंदर जाए। अंतःकरण ही तो क्षेत्र है। लेकिन खेत ठीक नहीं, कूड़ा करकट वाला है। किसान वैशाख ज्येष्ठ महीना आ जाता है तो खेत को साफ करता है, कचरे से मुक्त करता है, खेर करके बिल्कुल अच्छा बना कि बीज बोया और लगा। अंतःकरण को शुद्ध करके जब राम नाम बोया तब फसल और पत्ता। मन में कहीं कुटिलता नहीं, चित्त में कहीं चंचलता नहीं, बुद्धि में जड़ता नहीं और अहंकार का अंश नहीं। इतना अंतःकरण विशुद्ध हो जाए, साधक किसान है, उसका अंतःकरण खेत है, राम नाम बीज मंत्र है। कृष्ण 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 अंतःकरण में बो, अंदर जाने दो। तो क्षेत्र है, खेत है अंतःकरण, हरि नाम है बीज, और बाढ़ चाहिए खेत को, कोई बकरे कोई पशु पक्षी उसको, इसलिए बाढ़। बाढ़ क्या है? संयम नियम बाढ़ है। कई लोग कहते हैं हम तो राम राम रटते हैं, हमको शास्त्र में श्रद्धा नहीं, तो इसका मतलब तुमने संयम नियम की बाढ़ निकाल दी। तुम राम नाम जपो पर्याप्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शास्त्रों की आलोचना। कई लोग तो ऐसा ही कहते हैं हमको मंत्र मिला, हमको गुरु की जरूरत नहीं, हमने शास्त्र से मंत्र नहीं, तो तुमने संयम नियम की बाढ़ नहीं लगाई, अहंकार का बकरा चढ़ जाएगा, अहंता खेत को बिगाड़ दो। अंतःकरण है खेत, शुद्ध रखना यह है उसको ठीक करना। राम नाम है बीज मंत्र बाप, संयम नियम है बाढ़। लेकिन फसल तो पकेगी, लेकिन कोई अच्छा खाद डाल दो तो और पकेगी। खाद है विश्वास, विश्वास खाद है, जो विश्वास से जपता है उसकी फसल और पक जाती है। और जल सिंचाई करनी चाहिए, नाम लेते लेते आंख में से अश्रु निकल जाए, वही है जल सिंचाई।
प्रेमाश्रु द्रगबिंदु वो ही है सीता है। और सदगुरु है रखोपिया, जिसने मंत्र दिया है वो कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा कि तुम्हारी फसल पक जाए तुम्हारी, और फसल है परमात्मा। फसल कौन है? परमात्मा फसल है। और फिर परमात्मा रूपी फसल मिल जाए तो फिर इस प्रसाद को बांटना सीखो, सबको देना सीखो। Thank you.
खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। बोलो सो तो शुद्ध अंतःकरण खेत है, हरि नाम बीज है, स्नेह का जल सिंचाई है, संयम नियम की बाढ़ है, विश्वास खाद है, सदगुरु रक्षक हैं और परमात्मा फसल है। फिर उसी फसल सबको बांटनी होती है। गोस्वामी जी ने भगवान राम नाम की वंदना और महिमा की कही। आगे की कथा कल कुछ आगे कहेंगे, आज यहाँ ही विश्राम लेंगे। जय जयकार हो इस सभी पवन तले संकट हर का सत्संग विराम ले रहा है। कल सुबह 9:30 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए लगे जो वृंदावन को रंग लगे।